ते गिरिम यत कृपातम हम वंदे परमानंद माधव। सबसे पहले बाबा विश्वनाथ के श्री चरणों में अनंत कोटि प्रणाम, साथ ही जगत जननी मान पूर्णा के चरणों में अनंत कोटि प्रणाम। और आज इनकी जन्म जयंती है, हम सभी जानते हैं पंडित कमलापति त्रिपाठी जी की आज जन्म जयंती है, जिनके आशीर्वाद जिनके प्रयास से इतना बड़ा भव्य संस्कृत विश्वविद्यालय पुष्पित और फलित हो रहा है। पंडित कमलापति त्रिपाठी जी के श्री चरणों में जिनकी यशः काया आज भी हम सबके सामने विद्यमान है, उस यशः काया को हम सभी बार बार स्मरण करते हैं, उसको प्रणाम करते हैं, निवेदन करते हैं। साथ ही 115वां पंडित कमलापति त्रिपाठी जयंती महोत्सव में अंतरजाल के माध्यम से संबद्ध यशस्वी परम पूज्य गुरुदेव संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति राजा राम शुक्ल जी के श्री चरणों में मेरा प्रणाम है। साथ ही आज के अभिनव कालिदास नए नए साहित्य के सृजक पद्मश्री से विभूषित इस यशस्वी विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति अभिराज राजेंद्र मिश्र जी भी विद्यमान हैं, मैं उनको भी प्रणाम करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। साथ ही महान अर्थशास्त्री महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के यशस्वी कुलपति प्रोफेसर टीएन सिंह जी भी जुड़े हुए हैं, उनका आशीर्वाद है। हम सबकी प्रार्थना को अंगीकार करके अत्यंत व्यस्त होते हुए भी पंडित जी के श्री चरणों में पुष्पांजलि अर्पित करने हेतु उपस्थित हैं, मैं उनको भी प्रणाम करता हूं, स्वागत करता हूं। साथ ही यहां हमारे पास अभी श्री विजय शंकर पांडे जी उपस्थित हैं, उनको भी प्रणाम है, जिन्होंने पंडित जी के जीवन चरित्र को देखा है, समझा है, बहुत अच्छा उन्होंने कहा, हम सभी ने सुना भी। साथ ही प्रकाशन विभाग के निदेशक डॉक्टर पद्माकर मिश्र जी हैं, जिनके प्रयास से इतना महनीय कार्यक्रम हो रहा है, तो उनको भी प्रणाम करता हूं। तो आप सभी जानते हैं पंडित कमलापति त्रिपाठी जी एक शिक्षाविद थे, एक बहुत बड़े पत्रकार थे, एक राजनेता थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, ये सब बहुत सारे गुणों का संगम पंडित जी थे, जिनके चरित्र जिनके जीवन को आज पूरा पंडित समाज पूरा विद्वत समाज काशी की पांडित्य परंपरा निरंतर जिस चीज का स्मरण करती है और अपने आप को गौरवान्वित मानती है। विशेष करके आप सभी जानते हैं कि यह वर्तमान संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय अत्यंत प्राचीन है, जैसा कि सभी इसके ऐतिह्य को जानते हैं, 1751 ईस्वी में एक विद्यालय के रूप में स्थापित हुआ, पुनः 1958 में जब डॉक्टर संपूर्णानंद इस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उस समय पंडित जी शिक्षा मंत्री थे। और मैं यह कहूं कि पंडित जी की यह प्रेरणा थी और प्रयास था जो एक महाविद्यालय एक विश्वविद्यालय का रूप लिया। तो विशेष करके इस विश्वविद्यालय के संबद्ध जो सदस्यगण हैं, अध्यापक हैं, आचार्य हैं, वो त्रिपाठी जी के प्रति कृतज्ञ हैं, अवनत हैं, और बार बार विश्वविद्यालय परिवार उनके चरण में अनंत कोटि प्रणाम निवेदित करता है। तो मैं ज्यादा समय न लेते हुए, आप सभी पंडित जी के व्यक्तित्व और कृतित्व को अच्छे से जानते हैं, पंडित जी पूरे भारत के लिए काम किए, लेकिन चूंकि काशी के थे, सरजूपारी ब्राह्मण थे, और जैसा कि भी विजय पांडे जी बता रहे थे, संध्योपासन, दुर्गा सप्तशती का पाठ, चंदन लगाना और विप्र उचित कर्म का अनुष्ठान करते थे, इसलिए भी उनको वंदन है, प्रणाम है हम सभी के ओर से। तो आज इस जन्म जयंती के अवसर पर जो भी हमारे अतिथि यहाँ उपस्थित हैं, विशेष करके पद्मश्री अत्यंत सज्जन सरल, जिनके विषय में क्या कहना है, यहाँ उन्होंने तपह की, उनकी तपह साधना है कि यह विश्वविद्यालय आज इतना अग्रसर हो रहा है। तो मिश्र जी के श्री चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए वर्तमान जो ऋषिकल्प जो कुलपति हैं यहाँ के प्रोफेसर राजा राम शुक्ल जी, उनके श्री चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए आज के जो हमारे विशिष्टातिथि हैं प्रोफेसर टीएन सिंह जी, उनके श्री चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए मैं इस कार्यक्रम का आरंभ करता हूं। तो सबसे पहले
हम सभी के बीच में अंतरजाल के माध्यम से जुड़े हुए आज इस जयंती महोत्सव के विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर टीएन सिंह जी हैं। एक महान अर्थशास्त्री हैं, लब्ध प्रतिष्ठ हैं, पूरा विश्व इन्हें जानता है, एक कुशल प्रशासक हैं। तो इनसे मैं निवेदन करूंगा सबसे पहले कि पंडित कमलापति त्रिपाठी जी के विषय में आप अपने उद्बोधन को प्रस्तुत करें, साथ ही हम सबको आशीर्वाद प्रदान करें। प्रोफेसर टीएन सिंह जी, कुलपति महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ। सर आप अनम्यूट करिए अपने को। जी हाँ, मेरी आवाज आ रही है? अब आ रही है। जी आ रही आ रही जी। ब्रजभूषण जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अर्थशास्त्री नहीं भूगर्भ शास्त्री हूँ लेकिन ठीक है, आजकल सभी कुलपति अर्थशास्त्री हो गए हैं। हाँ, अर्थ के अभाव में अर्थशास्त्री हैं हम लोग। तो आज हम सारे लोग एक उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे भारतवर्ष के एक ऐसे विद्वान, हिंदी प्रेमी और भारतीय सभ्यता के जो पोषक के रूप में जिनको पूरा भारतवर्ष देखता है, ऐसे हम सबके प्रिय, हम सबके चेतना को जागृत करने वाले पंडित कमलापति त्रिपाठी जी का आज जन्मदिवस है। उसके अवसर पे संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति जी ने ये कार्यक्रम का आयोजन किया है। मैं प्रोफेसर राजाराम शुक्ल जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ और बहुत उनको उनके साथ मैं अपने को जोड़ता हूँ कि किस तरह से ये विश्वविद्यालय भी कमलापति त्रिपाठी जी के अनुशंसा से ही आगे बढ़ा है। और उनका केवल संपूर्णानंद नहीं, मुझे लगता है कि काशी विद्यापीठ का में भी काफी उनका योगदान रहा है और वो काफी यहाँ सक्रिय रहे हैं। तो दो दो विश्वविद्यालयों के जनक के रूप में और उनको आगे बढ़ाने के रूप में देखा जाएगा। राजनीतिक दृष्टि से जिस तरह से पंडित जी का जीवन रहा है, तो मुझे लगता है कि उनके जीवनी से एक चीज हम लोगों को बहुत सीखनी चाहिए कि काम में ही आराम है। ऐसा वो मानते थे कि यदि आराम करना है तो काम लगातार करते रहिए, उसी में आराम की खोज करिए। तो ये इससे उनकी साहित्य में जो सृजनता है उसका हम लोगों को ज्ञान होता है कि किस तरह से काम करते आराम करता है व्यक्ति। तो मुझे लगता है कि उन्होंने काम में आनंद को प्राप्त किया और इसी कारण से बहुत सारे कार्यों को वो करते रहे, जिसमें कि राजनैतिक भी है, राजनीति के भी चरम शिखर पे पहुंचे, उप मुख्यमंत्री से लेके मुख्यमंत्री, भारत सरकार में भी जो रेलवे स्टेशन है बनारस का, वो उनकी ही देन है। उन्होंने जिस तरह से कृषि की प्रधानता को पहचाना और पूरे आजकल जो अलग जिला हो गया है चंदौली, उसके अंदर जिस तरह से नहर का निर्माण कराया, सिंचाई की पूरी परियोजना उनकी है और उन्होंने जिस तरह से उसको किया, यदि इसी तरह का प्रयोग आने वाले दिनों में अन्य राजनैतिक या राजनैतिक नेता यदि उसी को आगे बढ़ाते तो शायद पूर्वांचल में आज एक अलग ही परिदृश्य होता और एक अलग तरह से पूर्वांचल के बारे में लोग देखते और सुनते। लेकिन किन्हीं कारणों से नहीं हो पाया, फिर भी मुझे लगता है कि वो एक तरह का मॉडल है जो वहां देखना चाहिए कि किस तरह से सिंचाई की सुविधा करा करके किसानों को संपन्न कराया जा सकता है और आज की सरकार भी उस प्रयास में लगी हुई। तो ये दूरदर्शिता होती है कि जिस व्यक्ति ने 50 साल 60 साल पहले जिन चीजों को देखा, आज की सरकार भी उनको उस विषय को ही ध्यान दे रही है जिसमें किया उन्होंने ध्यान दिया था उस समय। और शायद हम 50 साल किए होते तो बहुत सारा कुछ पूर्वांचल के विकास के लिए हमें किसी के पास जाना नहीं पड़ता और पूरा का पूरा पूर्वांचल जो है संपन्न होता हर दृष्टि से। तो पंडित जी का जो सहयोग रहा है, जो उन्होंने काशी और काशी से जुड़े हुए क्षेत्र के लिए किया, वो बहुआयामी है।
और आज के दिन मुझे लगता है कि हम लोगों को किसी एक विषय और एक विचार से पंडित जी को बांध करके उनके व्यक्तित्व को संकुचित करने का प्रयास नहीं करना चाहिए किसी को भी। आज वो पूरे भारतवर्ष के नेता थे, न कि कांग्रेस के थे, पूरा भारतवर्ष उस समय उनको आदर्श मानता था। उनके विरोधी भी उनके यहाँ जाकर के आशीर्वाद लेते थे, उनके विरोधी भी जो चुनाव में उनका विरोध करते थे उनको भी वो कहते थे कि भाई आपके पास खाना है कि नहीं, खाना ले लीजिए, पेट्रोल है कि नहीं पेट्रोल ले लीजिए, आपके पास जाने के लिए पैसे हैं कि नहीं कहीं वो ले लीजिए। आज लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में देखिए ये अनुकरणीय चीज है, सारे राजनीतिज्ञों को ऐसा अनुकरण करना चाहिए कि हमारे विचारों के जो विरोधी हैं वो हमारे शत्रु नहीं है, वो भी हमारे अंग है, और जब विचारों की भिन्नता नहीं रहेगी, मंथन नहीं होगा, तो नई चीज कैसे आएगी। और यही उन्होंने अपने संपादकीय में भी कई बार जिक्र किया था जब वो आज और संसार के संपादक के रूप में कार्य करते थे। तो एक सफल संपादक, एक सफल जो है साहित्य प्रेमी, उसके बाद एक सफल प्रशासक के रूप में उनको देखिए, एक राजनीतिक सफलता के दृष्टि से देखिए, बहुत ऐसा लगता है कि कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसमें उन्होंने कोई न कोई सहयोग और कोई न कोई जो है नया और नयापन नहीं दिया हुआ। तो ऐसे काशी के मैं भारतवर्ष के गौरव है, काशी वालों के लिए विशेष गौरव का विषय है कि हम लोग उस भूमि में रहते हैं जहां पर, उस विश्वविद्यालय में रहते हैं जहां पर उनके द्वारा किया गया कार्यों को आगे बढ़ाने का हम लोग को अवसर मिला है। मैं कुलपति जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि आपने आज इस दिवस को संडे होने के बावजूद भी नियत समय पे आपने आयोजित किया और ऐसे मूर्धन्य विद्वान को आपने आमंत्रित किया है मुख्य वक्ता के रूप में, जिनको हमेशा सुनने से हम लोगों को प्रेरणा मिलती है और वे हमेशा कुछ न कुछ नया और नए तरीके से चीजों को देखने का काम करते हैं। तो मैं बहुत आपका समय नहीं लेकर के अपना श्रद्धा सुमन उनके जन्म दिवस के अवसर पे अर्पित करता हूं उनके चरणों में, और कुलपति जी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए मैं चाहता हूं कि कोई एक बड़ा कार्यक्रम जब कोविड समाप्त हो तो कमलापति जी के बारे में दोनों विश्वविद्यालयों को, जब तक हम दोनों हैं, कम से कम एक संयुक्त कार्यक्रम ऐसा किया जाए जिससे कि इनकी प्रतिभा को और भी लोगों को, संपन्नता के बारे में, इनकी जो विचारों की संपन्नता उसके बारे में सबको लगना चाहिए। आज नया युग है, नई पीढ़ी के लोग हैं, शायद केवल नाम जानते हैं लेकिन उनके आदर्शों को भूल रहे हैं, और आज मुझे लगता है कि जो समाज में उनके आदर्शों के ऊपर विचार करने की जरूरत है, उसको अपनाने की जरूरत है, तभी जाकर के हमारा सार्वभौमिक समाज जो है वो रह पाएगा, समरसता रह पाएगी और हम सारे लोग आगे बढ़ पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपके प्रति बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद। नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद। कुलपति जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि पंडित जी के व्यक्तित्व को हम संकुचित दायरे में नहीं देख सकते हैं। पंडित जी का व्यक्तित्व बहुआयामी था और निश्चित रूप से हमको ऐसा कार्यक्रम करना चाहिए जो पंडित जी का विशाल व्यक्तित्व और कृतित्व है उससे पूरा भारत, पूरा राष्ट्र परिचित हो। इस तरह का आयोजन संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय करे, और मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, दरअसल अंतरजाल में बहुत सारे दोष भी हैं। आज रात मैं प्रोफेसर टीएन सिंह जी के विषय में नेट से पढ़ रहा था तो बार बार कई लोगों ने लिखा था अर्थ साइंस के गया था, तो चूंकि हमने बायोडाटा नहीं मंगाया था इसलिए हमने, तो आज शिक्षा के जगत में बहुत उपयोगी है नेट, लेकिन कभी कभी इस तरह की भ्रांतियां भी हम सबके बीच पैदा कर देता है। इसलिए जो जो साक्षात गुरु पठन पाठन परंपरा है, लेकिन हमारे गुरुवर जो हमारे विद्या गुरु हैं वर्तमान कुलपति, इसलिए गुरु की आवश्यकता आजीवन रहती है, और अर्थ के अभाव में अर्थशास्त्री हम सभी कुलपति, एक अच्छी व्याख्या जो है, बहुत आनंद आया, और आपको पुनः पुनः प्रणाम, और ऐसे ही हम सबको आप आशीर्वाद प्रदान करते रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं प्रोफेसर पीएन सिंह जी का यहाँ प्रणाम करते हुए अब आगे चलते हैं। हमारे बीच जैसा कि आपने अभी बताया, मुख्यातिथि के रूप में गुरुवर
अभिराज राजेंद्र मिश्र जी उपस्थित हैं। आप सभी जानते हैं अनेक पुरस्कार से पुरस्कृत हैं और हम सबके लिए गौरव का विषय है कि हमारे इस यशस्वी संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के वो पूर्व कुलपति हैं और अभी कुछ दिन कुछ महीने पहले उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भारत सरकार ने पुरस्कृत किया है। ये सभी संस्कृतज्ञों के लिए गौरव का विषय है। लेकिन उससे बड़ी बात, जब भी हम मिश्र गुरु जी के जीवन में देखता हूं, अत्यंत सरल स्वभाव, सहृदय सज्जन, और जब भी हम लोग निवेदन करते हैं कभी उनके जीवन में अहंकार और अभिमान हमें नहीं दिखाई दिया। तो ऐसे आचार्य श्री अभिनव कालिदास और मैं कहूं 100 से अधिक ग्रंथों के प्रणेता आज के मुख्य अतिथि हमारे प्रोफेसर अभिराज राजेंद्र मिश्र जी पद्मश्री उपस्थित हैं। मैं उनके श्री चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए उनका आशीर्वचन प्राप्त करने के लिए मैं निवेदन करता हूं कि वो पंडित जी के विषय में हम सबको उद्बोधन देंगे, अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगे। गुरु जी, प्रोफेसर मिश्र जी। मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है ना? जी गुरु जी, जी गुरु जी, प्रणाम करता हूँ। गुरु जी प्रणाम, प्रणाम। भैया भैया जय हो, जय हो, जय हो, जय। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के अत्यंत कर्मठ, अत्यंत विनम्र और विद्वत व संबद्ध कुलपति, जो मेरे लिए मेरे मित्र भी हैं, छोटे भाई भी हैं और हमारी पीढ़ी के बहुत ही स्थापित विद्वत जनों में से अन्यतम हैं, आज उनके संरक्षण में पंडित कमलापत त्रिपाठी जी का हम लोग स्मरण कर रहे हैं। उनकी जयंती के अवसर पर यह विश्वविद्यालय की कृतज्ञता का एक बहुत ही उज्ज्वल पक्ष है और इसके लिए निश्चित रूप से हम कुलपति जी के प्रति आभारी भी हैं और उनको हार्दिक बधाइयां और आशीर्वाद भी देते हैं कि उन्होंने उस महान पुरुष को, उस महान व्यक्तित्व को आज स्मरण किया जो इस विश्वविद्यालय रूपी कल्पवृक्ष को रोपने में एक प्रमुख भूमिका का भागीदार था। पंडित कमलापत त्रिपाठी जी के विषय में मैं क्या कहूं, मैं उन भाग्यशाली व्यक्तियों में से हूं मित्रों जिनका परिचय उनसे तब हो गया था जब मैं उनका महत्व जानने के योग्य भी नहीं था। आज भी मुझे वह क्षण स्मरण है जब हमारे इंटर कॉलेज में, जय हिंद इंटर कॉलेज तेजी बाजार में वार्षिकोत्सव हो रहा था और उस समय पंडित कमलापत त्रिपाठी जी मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित थे। वह शिक्षा मंत्री थे और हमारे प्राचार्य महोदय, क्योंकि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के ही स्नातक रहे, इसलिए उन्होंने बड़ा जतन करके, बड़ा सोर्स लगा करके, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी का सोर्स लगा करके पंडित जी को मुख्य रूप अतिथि के रूप में आमंत्रित किया था। मैं उस समय 9th class का विद्यार्थी था, परंतु विद्यालय के प्रत्येक समारोह में गायन के अवसर पर, वक्तृता के अवसर पर मैं ही स्मरण किया जाता था, क्योंकि माँ वाणी की कृपा से मुझ में ये कला उसी समय अंकुरित हो गई थी। और हमारे प्रबंधक महोदय जब अपना
नेट की प्रॉब्लम है क्या जी? जी नेटवर्क नहीं आ रहा था गुरु जी का वहां पर, वहां काफी ठंड पड़ी है लेकिन उस नेटवर्क बाधा कर रहा है गुरु जी कुछ। अब गुरुजी के, हाँ गुरुजी नहीं पाठक जी, पाठक जी, विजेंद्र जी, जी गुरुजी, गुरुजी जुड़े तो हैं अभी लगता है कि हट गए हैं? हट गए गुरुजी, अभी नहीं है वो। हाँ देखिए जुड़ जाते हैं ठीक है। एक बार फोन करो। अब फोन करता हूँ। गुरुजी उनका स्विच ऑफ बताने लगा और लगता नेटवर्क से बाहर हो गए। एक बार और देख लेते हैं, एक बार और लगाता हूँ। एक मिनट, एक बार और लगा लेते हैं फोन। हाँ गुरुजी, हेलो, उनका लगता है स्विच ऑफ हो गया मोबाइल। ऐसा करो ना, पीआरओ को फोन करो, उसके पास दो तीन नंबर होंगे। अच्छा एक नंबर तो और है मेरे पास, देख लेता हूँ मैं, दूसरे नंबर पर भी देख लेता हूँ। हेलो, हाँ अब जुड़े हैं मुझे। हेलो, हाँ आ रही है आवाज मुझे? हाँ दुर्भा जी से, हेलो हेलो, हाँ जी गुरु जी आ रही है आवाज? जी हाँ जी हाँ, नेटवर्क चला गया था यहाँ, यही सबसे बड़ी परेशानी है। तो मैं अपने पुराने संस्मरण बता रहा था कि अपने इंटर कॉलेज में एक समारोह में पंडित जी आमंत्रित थे और मैं 9th क्लास का विद्यार्थी था। उस समय स्वागत गीत गाने के लिए मुझे प्राचार्य जी की ओर से नियुक्त किया गया। मैंने अपने कोमल स्वर में हिंदी का गीत गाया था। हिंदी का गीत तो मेरे एक अध्यापक थे इतिहास के, अंबिका प्रसाद द्विवेदी जी, उन्होंने लिखा था और वो गीत मैंने गाया था। वो मेरे जीवन का प्रथम अवसर था जब मैंने पंडित जी के दिव्य व्यक्तित्व का दर्शन किया। उनके शरीर की एक जो आभा थी, उनके व्यक्तित्व की जो गरिमा थी और उनका जो विशुद्ध भारतीयता में सना हुआ जो रूप था, वो सबको मोहित करने वाला था। पंडित कमलापति त्रिपाठी जी एक ऐसे महान वंश में उत्पन्न हुए थे मित्रों, जिसका इतिहास अभी शायद बहुत गहराई से लोगों को नहीं मालूम है। मैंने तो यहां तक पढ़ा है कि पंडित राज जगन्नाथ शहजादा दारा शिकोह को उपनिषदों का अध्ययन कराने के लिए जिस
वाराणसी के आचार्य के पास ले गए थे, वे पंडित रामानंद पति त्रिपाठी जी पंडित कमलापति त्रिपाठी जी के पूर्व वंशों में से थे। ये एक स्थापित सत्य है, इसका और गहराई से अन्वेषण किया जाना चाहिए। लेकिन उस 16वीं 17वीं शताब्दी में भी आचार्य रामानंद पति त्रिपाठी काशी के दिग्गज पंडितों में से एक माने जाते थे। वही वंश है जिस वंश परंपरा में हमारे युग के महान राजनैतिक कर्णधार पंडित त्रिपाठी जी पैदा हुए। तो ये उनकी अपनी पूर्व वंश परंपरा थी। उन्होंने विद्या का गहराई से अध्ययन किया था और उन्होंने भारतीय राजनीति में एक सात्विक राजनीति का जो उन्होंने सात्विक राजनीति की जो स्थापना की वह न उनके पहले उस रूप में विद्यमान थी और उनके तिरोधान के बाद तो वह सदा सदा के लिए समाप्त ही हो गई। पंडित जी बहुत ही कर्मठ व्यक्तियों में से थे। वो विशुद्ध रूप से सबसे पहले एक ऐसे भूसुरागरणी थे, एक ऐसे महान द्विज थे जो कि अपने आनुवंशिक परंपरा के पालन में कभी कोई संकोच नहीं करता था। मेरे मित्रों ने बताया कि वो भगवती परांबा के महान उपासक थे, लेकिन वो सामान्य उपासक नहीं थे। ऐसे उपासक नहीं थे जो केवल दुर्गा सप्तशती का पाठ करके अपने इति कर्तव्यता का अनुभव कर लेता है। वह एक ऐसे भक्त कवि थे, वह एक ऐसे भक्त उपासक थे जो एक पैर पर खड़ा होकर के पूरी स्तुति करता था और उस समय उनकी आंखों से अपार अश्रुधारा बहती थी, देखने वाले स्थगित हो जाते थे। जब तक पंडित जी विंध्येश्वरी धाम में जाकर अपनी स्तुतियां पढ़ते थे तब तक कोई भी व्यक्ति टस से मस नहीं होता था, किसी अन्य व्यक्ति को दर्शन करने का साहस नहीं होता था, वह केवल पंडित जी को देखता था, उनको सुनता था। तो पंडित जी उस परंपरा के भक्त थे जिस परंपरा का श्री गणेश मध्यकाल में गौरांग महाप्रभु ने किया था। भगवान कृष्ण के वियोग में नाचते नाचते गाते गाते जो मूर्छित हो जाया करते थे, पंडित जी उस परंपरा के विद्वान थे और उस परंपरा के वो भगवती के भक्त थे कि एक पैर पर खड़े होकर के वो भगवती की स्तुति करते थे, दुर्गा सप्तशती का पाठ करते थे। यही कारण था कि प्रियदर्शिनी इंदिरा गांधी जी की अपार श्रद्धा उनके प्रति थी। वो सामान्य रूप से खुलेआम भले न संबोधन करती हो, लेकिन अपने घर में वो सदैव उनको चाचा के रूप में संबोधन करती थी, पंडित नेहरू के छोटे भाई के रूप में स्वीकार करती थी और उनके बिना, उनकी मंत्रणा के बिना उन्होंने जीवन में कोई ऐसा कार्य नहीं किया। पंडित जी यज्ञ पुण्य के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत बड़े ब्राह्मणवादी थे। ये किसी भी प्रकार का वाद मनुष्य के लिए घातक नहीं होता है, बशर्ते कि उसमें सर्वजन समन्वय हो। सर्वजन समन्वय न होने पर भले ही उसके बारे में उंगली उठाई जाए, लेकिन पंडित जी के साथ ऐसा नहीं था। अब किसी भी वर्ग में, किसी भी परिवार में, वंश में, खानदान में, जात में जन्म लेना ये मनुष्य का एक ऐसी उसकी परिस्थिति है जिसके बारे में वो बेचारा कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि ये ईश्वराधीन होता है। हम चाहे ब्राह्मण वंश में पैदा हो जाएं और चाहे दलित वंश में पैदा हो जाएं, हमारा उसमें क्या वश है, लेकिन वश हमारा इस बात में है कि हम जहां भी पैदा हो हम समूचे समाज को हम अपना मान करके, अपना बंधु मान करके काम करें। और इस दृष्टि से देखा जाए तो पंडित जी जैसा दयालु, उनके जैसा पर दुख कातर, उनके जैसा सर्वानुग्रही, उनके जैसा समत्व की भावना रखने वाला ऐसा कोई दूसरा राजनेता नहीं पैदा हुआ। ऐसा एक भी उदाहरण नहीं दिखाई पड़ता है, कोई आदमी उद्धृत नहीं कर सकता है कि उन्होंने कहीं पर इस प्रकार इस दृष्टि से कोई मतभेद किया हो कि कई जो है उसमें कैंडिडेट रहे हो, कई प्रत्याशी रहे हो,
तो उन्होंने किसी ब्राह्मण को बहुत ही कृपान्वित कर दिया हो या किसी की उपेक्षा की हो। पंडित जी इस प्रकार के नहीं थे, लेकिन किसी के प्रति कृपालु होना, किसी के ऊपर कृपा करना, ये हमारा एक तरह से व्यक्तित्व की हमारी गरिमा है, ये हमारा अधिकार है और इसमें जो है कोई बुराई नहीं होती है। मित्रों, पंडित जी के विषय में जितना कुछ कहा जाए कम है। सच बात तो यह है कि जब मैं उनका स्मरण करता हूं तो मुझे पंडित राज जगन्नाथ की वो कविता याद आ जाती है, अन्य जगद्धित मई मन सह प्रवृत्ति ही अन्य काफी रचना वचनावली नाम। जो महापुरुष होते हैं, अन्य जगद्धित मई मन सह प्रवृत्ति ही, सारे संसार का कल्याण करने में लगी हुई उनकी मन की जो प्रवृत्ति है वह विलक्षण होती है, उनकी मानसिक प्रवृत्ति ही विलक्षण होती है। और वो विलक्षणता किस बात पे है? विलक्षणता इस बात पे है कि हम संपूर्ण संसार का, संपूर्ण जगत का हम उद्धार कर सके, हम सबको ऊपर उठा सके। अन्य जगत धितमयी मनसा प्रवृत्ति ही, अन्य काफी रचना वचनावली ना। और जब वो बातचीत करते हैं किसी के साथ तो उनकी बात करने की जो पद्धति है वह भी एक विचित्र पद्धति होती है। उनकी बात में कोई लाग लपेट नहीं होता है, कोई उसमें गोपन नहीं होता है, कोई उसमें शठता नहीं होती है, किसी भी प्रकार का कोई टेढ़ापन नहीं होता है। वो सारी बात उनके हृदय के अंतराल से निकलती है। तो लोकोत्तरा चकृति आकृति आत्महिद्या, लोकोत्तरा चकृति, उनके जितने भी काम होते हैं वे लोकोत्तर होते हैं। वो चाहे मानसिक चिंतन हो, चाहे वह व्यक्तिगत रूप से किया गया कार्य हो, और चाहे वह वचन के माध्यम से व्यक्त किया गया कार्य हो, यानी मन वचन और कर्म तीनों ही माध्यमों से किया जाने वाला जो उनका कार्य है वह भी लोकोत्तर होता है। और उनकी आकृति आर्थहृद्या, एक आकृति ऐसी होती है मित्रों कि जिसको देख करके कोई व्यक्ति उससे मिलना नहीं चाहता है, वो कनगी कटा करके चला जाता है दूसरी ओर। और एक व्यक्ति ऐसा होता है जिसके व्यक्तित्व में एक ऐसा दुर्वार आकर्षण होता है कि व्यक्ति खींचा हुआ चला जाता है मैग्नेट की तरह, चुंबक की तरह, जैसे चुंबक जो है लोहे को खींच लेता है, उस तरह से व्यक्ति खींचा हुआ चला जाता है। पंडित जी के व्यक्तित्व में एक ऐसा सम्मोहन था, एक ऐसा आकर्षण था कि कोई भी व्यक्ति उनसे बिना मिले नहीं रह सकता था, बिना उनके पास गए उनको प्रणाम किए बिना नहीं रह सकता था। लोकोत्तरा चकृति आर्थहृद्या विद्यावताम सकल देव गिराम दबीय। मैं तो ये परिकल्पना करता हूं कि पंडित जी राजनीति में गए, शिखर पर गए, लेकिन यदि वो विद्या के क्षेत्र में भी आए होते, एक भारतवर्ष के महान आचार्यों में उनकी गिनती होती, किसी और भी क्षेत्र में गए होते तो जाने कहां से कहां पहुंचते। इसलिए कि वो शिखर पर रहने वाले व्यक्तित्वों में से थे और वो उनको शिखरारूढ़ होना ही था। आज हम उनका स्मरण कर रहे हैं क्योंकि इस संस्कृत विश्वविद्यालय को निर्मित करने में, इसकी स्थापना करने में मुख्यमंत्री श्री संपूर्णानंद जी के साथ उनके दाहिने हाथ बनकर के उन्होंने जिस तरह से तत्कालीन हमारे जो है भारत के राष्ट्रपति को जिस तरह से उन्होंने जो है आकृष्ट किया, जिस तरह से उन्होंने कन्विंस किया, ये वही कर सकते थे क्योंकि वो इतिहास के वेत्ता थे। उनको जो है भारतवर्ष का प्राचीन इतिहास मालूम था और काशी की विभूति थे, काशी की पांडित्य परंपरा के अच्छे व्याख्याता थे। यदि उतनी सारी बातें राष्ट्रपति जी को न बताई गई होती तो शायद ये एक कॉलेज के स्तर से ऊपर उठ करके ये भारतवर्ष का सर्वप्रथम, इदम प्रथम जो है संस्कृत विश्वविद्यालय न बन पाता। इसलिए आज हम उनके प्रति कृतज्ञता का पुष्प अर्पित करते हैं और उनकी स्मृति के माध्यम से आज हम अपने को धन्य समझते हैं कि इस विद्यालय की स्थापना में उनका महान योगदान रहा है। मैं और अधिक ज्यादा नहीं कहना चाहता, ढेर सारे यहाँ पर वक्ता हमारे मित्र आए हुए हैं, लेकिन मित्रों इतना जरूर आप लोग स्मरण करें कि पूर्व जन्म का
कोई बहुत बड़ा महान पुण्य था हमारा आपका कि उस पवित्र विश्वविद्यालय में कार्य करने का अवसर मिल रहा है, जहां पर कि जिसकी धूल जिसका जिसकी धूल का एक एक कण महर्षिकल्प विद्वानों की चरणों के संस्पर्श मात्र से पवित्र हो चुका है। उस प्रांगण में जाते ही व्यक्ति जो है एक ट्रांस में पहुंच जाता है, एक समाधि की मनोदशा में पहुंच जाता है, बशर्ते यदि वो सहृदय हो तो। सहृदयता यदि उसमें है तो वो अनुभव कर सकता है कि यह कोई सामान्य विश्वविद्यालय नहीं बल्कि एक तपोभूमि है, एक ऐसी तपोभूमि जिसका जिसका कि एक दिव्य इतिहास है। तो ऐसे विश्वविद्यालय के आप सदस्य हैं, ऐसे विश्वविद्यालय की स्थापना में पंडित जी ने अपना योगदान दिया, हम उनको जो है नतशिर उनको जो है प्रणाम करते हैं और उनके प्रति अपनी श्रद्धा भावना व्यक्त करते हैं। सच बात तो ये है कि उनके जीवन को हमें महाकाव्यानुबद्ध करना चाहिए। ये एक काम जो है अभी छूटा हुआ है हमारी नई पीढ़ी का, मुझे तो उतना अवसर नहीं मिल पा रहा है, अन्यथा ये जरूर है कि ऐसे व्यक्ति को पुण्य श्लोक बनाना चाहिए और पुण्य श्लोक बनने के लिए ऐसे ही व्यक्तित्वों की खोज होती है। तो अवसर मिले तो हमारी नई पीढ़ी के कवियों को इस बारे में जरूर सोचना चाहिए कि पंडित जी की कीर्ति को उनके जीवन को स्थिरता देने के लिए संस्कृत भाषा के माध्यम से, और भाषा के लोग करें न करें लेकिन देववाणी संस्कृत के व्यक्तियों का हम लोगों का ये कर्तव्य बनता है कि हम पंडित जी के जीवन को हम कलमबद्ध करें और उनको जो है पुण्य श्लोक बनाएं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ, आपने इस महान यज्ञ में मुझे भी शामिल किया, मुझे जो है ये सूचना दी उनके जयंती दिवस की, मैं कुलपति जी के प्रति बहुत ही कृतज्ञ हूँ और उनके जिस तरह के अच्छे अच्छे कार्य नित्य प्रति सुनने को मिल रहे हैं, देखने को मिल रहे हैं, उससे बड़ी प्रसन्नता होती है, क्योंकि ये एक ऐसा पुष्पोद्यान है जिस उद्यान में हमें भी कुछ दिन सेवा करने का अवसर मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय एक विश्वविद्यालय नहीं, ये तपोभूमि है, अभी गुरु जी ने बताया। और बड़ा सौभाग्य का ये अवसर है कि आज एक ऋषि को, एक वर्तमान ऋषि ने श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इस युग के यदि ऋषि महर्षियों की बात की जाए तो गुरुवर प्रोफेसर अभिराज राजेंद्र मिश्र जी आज वर्तमान युग के ऋषि हैं, महर्षि हैं, इनका आशीर्वचन विश्वविद्यालय को प्राप्त हुआ। इस जन्म जयंती के अवसर पर पूरा विश्वविद्यालय परिवार प्रणति पूर्वक आभार प्रकट करता है और ऐसे ही आपकी कृपा इस विश्वविद्यालय पर सदा बनी रहे, ये हम सबकी कामना है। इन्हीं शब्दों के साथ गुरु जी के श्री चरणों में मैं प्रणाम निवेदित करता हूं। इस कार्यक्रम को आगे ले चलते हुए, जैसा कि आप जानते ही हैं, पंडित जी का व्यक्तित्व बहुआयामी था, वो केवल काशी के लिए नहीं संपूर्ण भारत के लिए कार्य किया। और आज गुरु जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि पंडित जी का जो जीवन है उस जीवन का श्लोकबद्ध होना अत्यंत आवश्यक है। और निश्चित रूप से आपके आशीर्वाद, आपकी प्रेरणा से जो नवयुवक कवि हैं वो कवि इस काम को करेंगे और हम लोग भी उनसे बात करेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं इस कार्य को करना और शायद आपका आशीर्वाद होगा तो बहुत जल्द ही ये कार्य होगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इस उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री से लेकर के मुख्यमंत्री, पुनः देश के रेल मंत्री, यहाँ के वित्त मंत्री, गृह मंत्री, बहुत से पदों पर उन्होंने कार्य किया, लेकिन सबसे बड़ा जो व्यक्तित्व है संस्कृत के लिए। मैं पंडित जी के विषय में रात बहुत पढ़ रहा था, देख रहा था, दो बातें हमें विरोधी चीज मिली लेकिन दोनों का समन्वय मिला। एक तरफ तो राष्ट्र के लिए धर्म निरपेक्ष थे लेकिन व्यक्तिगत जीवन में बिल्कुल धार्मिक थे। जैसा कि अभी गुरु जी ने कहा कि वो कोई सामान्य उपासक नहीं थे, भक्त उपासक थे। एक पैर पर ही पूरे दुर्गा सप्तशती का पाठ करना, माता का आराधना करना, तो यह तो अत्यंत जो धार्मिक होगा, अत्यंत जो साधक होगा वही कर सकता है। उनकी साधना का फल है जहां आप हम लोग आज उपस्थित हैं, वो कल्प वृक्ष, वो विश्वविद्यालय आज इस रूप में दिखाई दे रहा है।
तो गुरु जी को बहुत बहुत प्रणाम निवेदन। साथ ही इस यशस्वी विश्वविद्यालय के जो संस्कृत पुरुष हैं, युग पुरुष हैं, युग दृष्टा हैं, हम सभी के विद्या गुरु वर्तमान कुलपति प्रोफेसर राजा राम जी इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। मैं उनके श्री चरणों में निवेदन करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि अपने अध्यक्षीय उद्बोधन से हम सबको अनुग्रहित करें। पूरा विश्वविद्यालय परिवार, पूरा भारत वर्ष इस कार्यक्रम को देख रहा है, सभी अत्यंत प्रसन्न हैं। सभी इस कार्यक्रम के माध्यम से पंडित जी के श्री चरणों में प्रणाम निवेदित करते हैं। तो आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष गुरुवर शुक्ल जी यहाँ उपस्थित हैं अंतरजाल के माध्यम से। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि अपने अध्यक्षीय उद्बोधन से हम सबको अनुग्रहित करें। सदाशिव समारंभाम शंकराचार्य मध्यमाम अस्पदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। सर्वप्रथम सर्व विद्याधिष्ठात्री माँ सरस्वती के चरणों में प्रणति अर्पित करता हूँ तथा आज जिस महापुरुष की प्राकट्य दिवस के अवसर पर हम यहाँ उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए एकत्रित हुए हैं, ऐसे पंडित जी के चरणों में भी अपनी प्रणति अर्पित करता हूँ। मेरी आवाज सुन सकते हैं ओझा जी? मेरी आवाज सुनाई दे रही है? सुनाई दे रही गुरुजी। जी हाँ जी हाँ जी गुरुजी जी गुरुजी। श्रूयते। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय अभिराज राजेंद्र मिश्र जी, यह एक सभा की कुछ औपचारिकता है कि हमें एक मुख्य अतिथि रखना पड़ता है, एक अध्यक्ष रखना पड़ता है, एक विशिष्ट अतिथि रखना पड़ता है। जब हम आचार्य अभिराज राजेंद्र मिश्र जी की बात करते हैं तो उनके लिए मुख्य शब्द तो अच्छा लगता है, अतिथि शब्द अच्छा नहीं लगता है। आप हमारे अभिभावक हैं, घर के मुखिया हैं, तो मुख्य मुखिया आचार्य अभिराज राजेंद्र मिश्र जी, जिनका जिनके पीछे पीछे सम्मान दौड़ते रहते हैं। आप एक झलक देख सकते हैं उनकी पृष्ठभूमि में, जैसे मेरे पीछे एक पर्दा लगा हुआ है ना, आप उनके कमरे जहां बैठे हैं उनके पीछे सम्मानों की एक परंपरा लगी हुई है और ये एक झलक है, क्योंकि उतने छोटे कमरे कैमरे से उतना बड़ा ग्रहण नहीं हो सकता है। यदि पूरा चित्र लिया जाए तो कई स्नैप्स में लेने पड़ेंगे, इतने सम्मानों की एक परंपरा है। सेम ईशोरिव दीर्घ दीर्घतरा परंपरा सम्मानानाम आचार्याणाम, ऐसे आचार्य और इतने ही सम्मान और आगे के दिनों में आने वाले हैं, तो आप सोच सकते हैं कि उतना उनका कद कितना बड़ा है। और यह विश्वविद्यालय के लिए गौरव की बात है कि वे इस विश्वविद्यालय के अभिभावक हैं। मैं उनके प्रति अपनी प्रणाम प्रणति अर्पित करता हूं। केवल एक फोन से मैंने निवेदन किया था और उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया, पहले भी ऐसे ही वे स्वीकार करते हैं और आगे भी उनका अनुग्रह इसी तरह से बना रहेगा। इसी प्रकार हमारे मित्र जिनका कमरा मैं देख सकता हूँ, आचार्य टीएन सिंह जी, अर्थशास्त्री हैं, अर्थ पर बैठे हैं कि नहीं मालूम है, अर्थ विज्ञानी है वैसा, भूमि शास्त्र के प्रति उनका विशेष अध्ययन है, लेकिन पंडित जी के व्यक्तित्व को वे भली भांति उन्होंने अध्ययन किया है। मैंने पिछले वर्ष उनका एक व्याख्यान पंडित जी पर सुना था, तो जिस समय हमारे प्रकाशन निदेशक जी चर्चा के लिए आए थे, मेरे मन में सर्वप्रथम पंडित हमारे टीएन सिंह जी का ही नाम आया, क्योंकि उनको हमने पिछले बार सुना था और यह अनुभव किया था कि पंडित जी के व्यक्तित्व एवं कर्तृत्व पर उनकी गहरी पकड़ है, गहरी दृष्टि है, और उन्होंने भी मेरे निवेदन को स्वीकार किया। मैं उनका भी विश्वविद्यालय परिवार की ओर से अभिनंदन करता हूँ। इस अंतरजाल माध्यम से जुड़े विश्व के कोने कोने से यहाँ मुझे दिखाई दे रहे लोग, सिंह साहब आप सामने आ जाइए, थोड़ा सा कैमरा टेढ़ा हो रहा है आपका, कुलपति जी आपका टेढ़ा हो रहा है कैमरा। विश्व के कोने कोने से लोग यहाँ
पंडित जी के प्रति श्रद्धा परवश होकर के जुड़े हैं उन सभी का मैं अभिवादन करता हूँ। विश्वविद्यालय परिसर में अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने पंडित जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया था और उस अवसर पर भी हमने एक संक्षिप्त गोष्ठी की थी जिसमें कतिपय आचार्यों और पंडित जी के कतिपय अनुयायियों ने अपने मंतव्य रखे थे। तो आज इस तरह से हमारे विश्वविद्यालय द्वारा दो संगोष्ठियों का आयोजन किया जा रहा है। कुलपति बनने के बाद प्रथम जयंती के अवसर पर मुझे उपस्थित होने का सौभाग्य नहीं मिल पाया था। उन्हीं दिनों मेरी पूज्य माता जी का देहावसान हुआ था। द्वितीय संगोष्ठी में मैं उपस्थित था द्वितीय ऋषि पंचमी के अवसर पर और मैंने उस समय यह घोषणा की थी कि अब हमारा विश्वविद्यालय पंडित जी की जयंती के अवसर पर एक राष्ट्रीय परिसंवाद नेशनल सेमिनार रखेगा और उनके व्यक्तित्व और कृतित्व व्यक्तित्व को का जो सामाजिक उपयोग है विश्व कल्याण पर उपयोग है उस पर गहन चिंतन मनन होगा। मैं बहुत चिंतित था कि मेरा वह संकल्प संभवतः पूर्ण न हो सके किंतु आज प्रकाशन संस्थान और उनसे जुड़े सभी लोगों ने इस प्रकार का जो राष्ट्रीय स्तर पर संगोष्ठी का आयोजन किया है उससे मुझे पूर्ण संतोष का अनुभव हो रहा है और मुझे पूर्ण अपेक्षा है कि आगे वर्षों में भी कुलपति कोई भी रहें वो तो क्षणिक पद होते हैं लेकिन राष्ट्रीय संगोष्ठी के रूप में ही इसे मनाया जाए ताकि उनके व्यक्तित्व का परिचय नई पीढ़ी को और अधिक मात्रा में हो सके। जो पुराने लोग हैं उन्होंने तो पास से देखा है अनुभव किया है कुछ उनके लेखों से हम समझ सकते हैं किंतु नई पीढ़ी में चूंकि पाठ्यक्रमों में हमें नहीं पढ़ाया जाता है नई पीढ़ी की नई प्राथमिकताएं हैं उस आधार पर भी हमें ऐसे व्यक्तित्व के बारे में नहीं पढ़ाया जाता है समझाया जाता है घर में भी नहीं बताया जाता है। इसलिए संगोष्ठियों के का प्रतिफलन तभी होगा सार्थकता तभी होगी जब वहां तक हमारी बात पहुंच सके। इसलिए यह राष्ट्रीय इस प्रकार का राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन अत्यंत सार्थक है और इस प्रकार का आयोजन भविष्य में भी होता रहेगा। मैं माननीय कुलपति जी के प्रस्ताव से भी सहमत हूँ कि आगे एक दो महीने में जब भी यह महामारी इस महामारी का प्रकोप शांत होगा हम लोग मिलकर के एक ऐसा आयोजन करेंगे। 115वां वर्ष शुभ वर्ष है उस वर्ष पर हम लोग कोई ऐसा आयोजन करें राष्ट्रीय अथवा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो विश्व को एक दिशा निर्देश दे सके विश्व तक अपनी बात पंडित जी के विचारों को पहुंचा सके विशेषकर नई पीढ़ी तक पहुंचा सके। मैं उस प्रस्ताव का स्वागत करता हूं और हम लोग मिलकर इसे भव्यता के साथ आयोजन करेंगे। आज का एक अत्यंत समसामयिक विषय रखा गया है सामाजिक समरसता का। सामाजिक समरसता की कमी हमें आज दिखाई पड़ रही है। तेन त्यक्तेन भुंजिता की भावना अब कम हो चुकी है। सभी लोग अतिक्रमण करके अपना साम्राज्य बनाना चाह रहे हैं साम्राज्यवादी प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है और जब जब तक हम अपनी सीमा में रहते हैं तब तक कहीं से भी कोई किसी के साथ दुराव नहीं होता है कोई टकराव नहीं होता है। जब हम अपनी सीमा का नाजायज रूप से अतिक्रमण करके गलत रूप से अतिक्रमण करके दूसरी सीमा में प्रवेश करेंगे और यह मानकर करेंगे कि सामने वाला कमजोर है तो निश्चित रूप से टकराव होगा। टकराव तो होगा ही भले ही आप उसे पराजित कर दे लेकिन वह इतने आसानी से अपनी संपत्ति को अपनी सीमा को असुरक्षित नहीं होने देगा। आज यही प्रवृत्ति कतिपय देशों में देखी जा रही है। आज का भारत समर्थ भारत है आत्मनिर्भर भारत है और लोगों को यह दूसरों को यह समझना चाहिए कि वह आज से वर्षों पूर्व का भारत नहीं रह गया है इस पर कुदृष्टि न डाली जाए। हम तेन त्यक्तेन भुंजिता जरूर मानते हैं किंतु माघृतः कस्य सिद्धनम् हम न छीनते हैं न छीनने देते हैं। हमारी ऐसी प्रवृत्ति है हमारे रक्त में वह बात भरी हुई है। इस बात को इन वैदिक
धारणाओं को, इन औपनिषद धारणाओं को विश्व समाज तक हमें पहुंचाना होगा। और उसका एकमात्र रास्ता है सामाजिक समरसता का, हमारा जो वैदिक सिद्धांत है, औपनिषदक सिद्धांत है, उसका प्रकाशन किया जाए। हमारी जो अनादिकाल से वैदिक परंपरा चली आ रही है, उस परंपरा को जिसमें विश्व कल्याण की भावना है, विश्व बंधुत्व की भावना है, पर द्रव्य के प्रति वैराग्य की भावना है और आत्मवत सर्वभूतेषु की भावना है, उस भावना के प्रति विश्व को सजग, विश्व के सामने हमें रखना होगा। और आज यह अच्छा समय भी आ गया है, आज पूरा का पूरा विश्व, जब विश्व इस महामारी से संत्रस्त है, तो उन सब पूरे विश्व की दृष्टि भारत की ओर है, भारत की आध्यात्मिक चेतना की ओर है, आध्यात्मिक शक्ति की ओर है, भारत की उस ऊर्जा की ओर है, जिस ऊर्जा के कारण भारत अनादिकाल से आज तक बिना किसी अंतराय के, बिना किसी अंतराल के भारतीय संस्कृति और सभ्यता चली आ रही है। संस्कृतियां सभ्यताएं आप देखें, अगर विश्व इतिहास का अध्ययन करें तो अनेक संस्कृतियां जागी, अनेक सभ्यताएं जन्म ली, अनेक संप्रदायों ने जन्म लिया, किंतु अधिकांश संप्रदाय उस संप्रदाय के प्रवर्तक के जीवन काल में ही नष्ट हो गए। कुछ बच्चे तो भी उस संप्रदाय प्रवर्तक के गमन के पश्चात वो नष्ट हो गए। लेकिन हमारी ये जो परंपरा है, वैदिक परंपरा, वो जिसे हम अनादि परंपरा मानते हैं, वो परंपरा आज भी अविच्छिन्न रूप से चली आ रही है और उसमें कोई भी बदलाव नहीं है, कोई भी खरोच नहीं आई है, कहीं भी अंतराय नहीं आया, कहीं भी अंतराल नहीं आया। इसका एकमात्र कारण है हमारी भारतीय संस्कृति जो वेदाधारिता है, वेदाधारिता ने, श्रुत्याधारिता ने, शास्त्र सम्मति ने उसे आज तक बनाए रखा है और आज पूरा विश्व उसकी ओर एक टक टकटकी लगा कर देख रहा है, हमें अपेक्षा, हमसे अपेक्षा कर रहा है। आज विशेषकर संस्कृत विश्वविद्यालय जैसी संस्थाओं का दायित्व तो और भी अधिक बढ़ जाता है, जब विश्व को हमारी संस्कृति, हमारे शास्त्रों के उपदेशों की अत्यंत आवश्यकता है, उसमें यहाँ से निकली हुई बात विश्व के कोने कोने में सुनी जाएगी। अगर हम पंडित जी के जीवन को, मुझे भी दर्शन करने का अवसर मिला था, लेकिन मैं बहुत छोटा था, वो मैं जब रामनगर में रहता था तो वे चुनाव प्रचार के लिए आए थे, आदरणीय चंद्रा त्रिपाठी जी चंदौली से एमपी का चुनाव लड़ रहे थे, और बहू जी, हम लोग उस नाम बहू जी नाम से प्रसिद्ध थे, और वे चुनाव प्रचार में आए थे। मैं रामनगर में रहता था, रामनगर में एक कांग्रेस के बहुत बड़े नेता जो बहुत सिद्ध हस्त कवि थे, पंडित प्रेम किशोर पांडे जी, उनके नेतृत्व में हम लोग कुछ कार्यकर्ता के रूप में काम करते थे। उस समय यह मालूम नहीं था कि किस पक्ष में जाना है, किस पक्ष में नहीं जाना है, बस अभिभावक ने जो कहा वो करना है। तो एक बिल्ला बहुत अच्छा मिलता था, बच्चा, वो गाय और गाय के बच्चा वाला, उस समय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह हुआ करता था, फिर हाथ का पंजा आया, फिर बदलता गया। तो वो एक भावनाएं उनको देखा था। जब वे रेल मंत्री बने थे तो काशी से चेन्नई के लिए, उस समय मद्रास नाम था, आज चेन्नई नाम है, चेन्नई के लिए एक ट्रेन शुरू हुई थी, उस ट्रेन का नाम है गंगा कावेरी। उस नाम से ही संस्कृति झलकती है। आप उस गंगा कुछ भी नाम दे सकते थे, ट्रेन का नाम क्या है, कुछ भी रख सकते थे, चिंटू मिंटू पिंटू, लेकिन नाम रखा है गंगा कावेरी, उससे वो एक संस्कृति झलकती है। गंगा और कावेरी, गंगा कावेरी से होते हुए चेन्नई तक जा रही है, ये एक जो संस्कृति है, उस संस्कृति का परिचय हमें मिलता है। जिसने, जिस व्यक्ति ने उनका दर्शन किया हो, वो शिखा, वो चंदन, वो शुभ्र तेज, आप गाल से निकलता हुए तेज को, मुख से निकलते हुए तेज को सहन नहीं कर सकते हैं, ऐसा तेज होता था। ऐसी पलथी मार करके वो बैठते थे, बहुत देर तक पलथी मार कर बैठते थे। हम लोग काशी महाराज के यहाँ रहते थे और काशी महाराज डॉक्टर विभूति नारायण सिंह जी से उनका बहुत घनिष्ठ संबंध था।
उनके यहाँ आते जाते थे, तो वहां बैठ करके उनके साथ जो महाराज के साथ जो शास्त्रीय चर्चा होती थी, सांस्कृतिक चर्चा होती थी, गंगा के संरक्षण में चर्चा, मंदिरों के संरक्षण में चर्चा, काशी की संस्कृति के संरक्षण में जो चर्चा होती थी, कुछ कुछ कानों में जाती थी, बहुत कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन आज वे सभी चर्चाएं, वे सभी विचार बहुत प्रासंगिक हैं, और उन उस प्रासंगिकता के कारण ही हम लोगों ने इस विश्वविद्यालय में अपने, हम कृतज्ञ हो सकते हैं, ऋण तो कभी नहीं हो सकते हैं, कृतज्ञ होना चाहिए, लेकिन ऐसे आचार्यों के ऋण का, ऋण से ऋण होने का हो नहीं सकते हैं, और उसका प्रयास भी नहीं, मेरा मानना है कि उसका प्रयास भी नहीं करना चाहिए, कुछ ऋणों को से ऋणी होना ही बहुत आनंद देता है। कुछ ऐसे ऋण हैं जिन्हें तत्काल चुका देना चाहिए, किसी से कर्ज लिया हो, पैसे का कर्ज लिया हो, या किसी की देनदारी हो, उसे तत्काल चुका देना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे ऋण होते हैं, गुरु ऋण है, माता का ऋण है, वृत्ति दाता का ऋण है, उससे ऋण होने का कभी भी प्रयास नहीं करना चाहिए, वही ऋणता, ऋणी होना ही हमें जीवन भर कृतज्ञ बनाता है, विनयी बनाता है। और मैं इसी से यह चाहता हूं कि यह हमारा ऋण, हमारे ऊपर जो ऋण है, वो ऋण उन ऋषियों का ऋण बना रहे। अभी हमारे आचार्य मिश्र जी कह रहे थे कि इस तपोभूमि के कण कण में ऋषियों की तपस्या का आप साक्षात्कार कर सकते, एक प्रकार का वाइब्रेशन निकलता है, मुझे भी अनुभव होता है, मैं यहाँ की हर सभा में बोलता हूँ कि यह तपोभूमि है, यहाँ ऋषियों के प्रत्येक कण कण में तपस्या भरी है, इसके साथ जिसने अन्याय किया वह बहुत बड़े संकट में पड़ता है, बहुत बड़े अपराध का भागी होता है, उसे यह जन्म में ही फल भोग करना पड़ता है, इसलिए पूरे श्रद्धा के साथ, पूरी तन्मयता के साथ इस पवित्र भूमि की सेवा करनी चाहिए। मैंने एक अभी योजना बनाई है, लॉकडाउन में ही उसे क्रियान्वित किया है, 31 तारीख को अनंत चतुर्दशी का शुभ मुहूर्त है, उस दिन उस योजना का आरंभ होगा। हमारे 230 साल का जो बृहत इतिहास है, 1791 से लेकर के आज तक का जो बृहत इतिहास है, उसमें आचार्यों की, ऋषियों की एक बड़ी लंबी परंपरा रही है, वह तपोमूर्ति थे, आचार्य थे, उनके बहुतों के नाम भी अब हमारे सामने नहीं रहे हैं, उन सब के व्यक्तित्व और कर्तृत्व से समाज को, विशेषकर नई पीढ़ी को अवगत होना होगा, तभी हमारे संस्कृति की संरक्षण का संरक्षण हो सकेगा। इस दृष्टि से विद्वत वैभव परंपरा नाम की एक वृत्त चित्रों की, डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स की एक हमने श्रृंखला शुरू की है, और उस श्रृंखला का लोकार्पण या लॉन्चिंग, जिसको प्रमोशन जो कहते हैं अंग्रेजी में, वो 31 तारीख को होने वाला है। इस श्रृंखला में हम एक एक विद्वान पर 10-15 मिनट की एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म तैयार कर रहे हैं, और वो अत्यंत रोचक ढंग से बनाई जा रही है, और सर आपको आश्चर्य होगा और बहुत सुख भी होगा कि इस फिल्म को बनाने में विश्वविद्यालय का एक पैसा भी खर्च नहीं हो रहा है। हमारे जो नवनियुक्त आचार्य हैं, युवा हैं, वही इस फिल्म का निर्माण भी कर रहे हैं। एक और जहां वो शास्त्र में पंडित हैं, उसकी उतने ही पांडित्य, उतना ही दक्षता उनकी इस कंप्यूटर विधा में भी है। थोड़ा सा केवल मुझे मार्गदर्शन देने की आवश्यकता होती है, एक पैसा मैं देता हूँ, 10 पैसे का वो जवाब मेरे पास लाकर देते हैं। मुझे अत्यंत प्रसन्नता होती है कि नए नवनियुक्त अध्यापक अत्यंत प्रतिभा के धनी हैं। इस समय विद्यालय पूरा शैक्षणिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों से भरा हुआ है। आप सुबह से शाम तक हमारे फेसबुक चैनल को अथवा यूट्यूब चैनल को देख सकते हैं, आपको शैक्षणिक गतिविधियां, शास्त्र प्रौढ़ योजना आचार्य पंडित विद्या निवास मिश्र जी के कार्यकाल में शुरू थी, 2 वर्ष चली, वो बंद हो गई, उसे फिर हमने शुरू किया है, और वो लिंक ओपन टू ऑल है, सब देख सकते हैं, किसी के लिए का प्रतिबंध नहीं है। शैक्षणिक वातावरण पूरी तरह से बना हुआ है। उन विद्वानों के प्रति हमारी कृतज्ञता अर्पित करने की दृष्टि से
आभार व्यक्त करने की दृष्टि से यह वृत्त चित्रों की श्रृंखला, उसमें आपके आशीर्वाद की भी हमने अपेक्षा की है। मुझे लगता है कि एक दो दिन में मुझे आपका आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा। और इस तरह से विश्वविद्यालय उन ऋषियों के पदचिन्हों पर चलने के लिए पुनः अग्रसर है। मैं प्रकाशन संस्थान के निदेशक एवं उनके पूरे परिवार को, उनके पूरे टीम को, अभी हमारे ओझा जी भी उस टीम के सदस्य बन गए हैं, विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं लेकिन प्रकाशन निदेशक के बहुत आत्मीय हैं। उन्होंने मुझे कहा था कि संचालन के लिए ओझा जी को बुला लिया जाए। मुझे, मैंने दूसरे किसी का नाम कहा था लेकिन उन्होंने कहा नहीं, ओझा जी बहुत आत्मीय व्यक्ति हैं और उनका स्नेह प्रकाशन विभाग को बना रहता है और प्रकाशन निदेशक पर भी बना रहता है, इसलिए उनके आग्रह पर ओझा जी को यह दायित्व दिया गया है। हमारे अमित कुमार जी, ज्योतिषाचार्य जी भी दिखाई पड़ रहे हैं, उनके पिताजी का भी अभी दर्शन हुआ था। तो बहुत अच्छा लगता है, युवा वर्ग बहुत आगे आ रहा है और पूरी कटिबद्धता के साथ आगे आ रहा है, और जो हमारे वरिष्ठ आचार्य लोग हैं वो उन्हें मार्गदर्शन कर रहे हैं, उन्हें प्रेरणा दे रहे हैं। पूरा जो अपेक्षा है समाज को विश्वविद्यालय से, वो यह विश्वविद्यालय पूर्ण करने का प्रयास कर रहा है। मैं आप सबको बहुत बहुत प्रणाम, साधुवाद अर्पित करता हूँ। आपने हमारे अनुरोध को स्वीकार करके अपना इतना बहुमूल्य समय और मार्गदर्शन प्रदान किया, इसके लिए विश्वविद्यालय परिवार आपका आभारी है। नमो नमः। इस कार्यक्रम के सभाध्यक्ष कुलपति जी के श्री चरणों में प्रणाम निवेदित करता हूँ। साथ ही जो उनका संदेश है, सामाजिक समरसता वेदों में है, शास्त्रों में है, और यह कार्य, यह पथ प्रदर्शन आपके नेतृत्व में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय दिखला रहा है। और जितना ही शास्त्रों का, वेदों का जन जन तक प्रचार होगा, प्रसार होगा। और एक और बात आई कि जो इस तरह के सेमिनार होते हैं, जो संगोष्ठियां होती हैं, उन व्यक्तित्व का जो जीवन चरित्र है, जो जीवन रहस्य है, हमें अपने बच्चों तक पहुंचाना चाहिए, यहाँ तक कि पाठ्यक्रमों में भी लाना चाहिए। पंडित जी का जीवन वेदमय जीवन था, हो सकता है परंपरागत उन्होंने अध्ययन किया है नहीं किया हो, लेकिन उनके जीवन में सर्वत्र वेद और शास्त्र विद्यमान थे। जैसा कि हमारे पूर्वाचार्यों ने बतलाया, हमारा, हमको दर्शन तो नहीं हुआ लेकिन उनके विषय में जो आज सुबह से जितना मैंने सुना, बहुत आनंद आया। और मेरा पुण्य है कि इस तरह के कार्यक्रम का संचालन करने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ। और निश्चित रूप से पंडित जी के विषय में और व्याख्यान होना चाहिए, हमारे जो बच्चे हैं उन बच्चों तक इन बातों को पहुंचानी चाहिए, तभी जाकर एक स्वस्थ राष्ट्र का, समाज का निर्माण होगा। अंत में एक बात मैं कहूंगा, किसी ने फेसबुक पर, ट्विटर पर कहीं लिखा था, पंडित जी पूर्वांचल के विकास के पर्याय थे। मैं तो कहता हूँ ऐसे व्यक्तित्व को किसी क्षेत्र से नहीं बांधना चाहिए। पंडित जी पूरे राष्ट्र के विकास के पर्याय थे, संस्कृत के विकास के पर्याय थे, भारतीय संस्कृति के विकास के पर्याय थे। तो ऐसे अवसर पर उनके श्री चरणों में बार बार मैं नमन करता हूँ, उनको स्मरण करता हूँ। अभी अध्यक्ष जी का उद्बोधन प्राप्त हुआ, आशीर्वचन प्राप्त हुआ, हम सभी अत्यंत हर्षित हैं, प्रफुल्लित हैं। अब ये कार्यक्रम संपूर्ति की तरफ जा रहा है। तो जैसा आप सभी जानते हैं, यह जो कार्यक्रम है शिक्षण शोध एवं प्रकाशन विभाग के द्वारा हुआ है, और इसके निदेशक हमारे भाई डॉक्टर पद्माकर मिश्र जी, एक तो विश्वविद्यालय से जुड़ने से संबंध है लेकिन इनके साथ, जैसा अभी गुरु जी कुलपति जी ने बताया, मेरा संबंध इनसे बहुत पुराना है और वास्तव में एक भाई का संबंध है। इन्होंने इस अवसर पर मुझे याद किया, मैं बहुत ही प्रफुल्लित हूँ। तो अंत में जो इतने महनीय अतिथि हमारे गुरुवर मिश्र जी, प्रोफेसर टीएन सिंह जी, ऐसे ऐसे शिक्षाविद प्रशासक यहाँ उपस्थित हैं, हमारे ऋषि तुल्य कुलपति जी, और फेसबुक के माध्यम से अभी जैसा आप अमित शुक्ल जी हैं और बाकी उमा शंकर शुक्ल गुरु जी जुड़े हुए हैं, और भी बहुत सारे विद्वान जुड़े, यहाँ रमेश गुरु जी हैं, श्री विजय शंकर पांडे जी उपस्थित हैं, अन्य हमारे महनीय कर्मचारी उपस्थित हैं। आप सभी को कृतज्ञता ज्ञापन के लिए, धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर पद्माकर मिश्र जी को, सभी का धन्यवाद ज्ञापन करेंगे।
एक मिनट अंतरजाली इंटरनेट के माध्यम से जुड़े समस्त महानुभावों का हृदय से आभार। ये मेरा परम सौभाग्य है कि आज हमारे पूर्व कुलपति आदरणीय प्रोफेसर अभिराज राजेंद्र मिश्र जी हम लोग से जुड़े हैं। अपने जीवन काल में जहां तक मैंने अनुभव किया ऐसा प्रकांड विद्वान और वक्ता मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। गुरु जी का आशीर्वाद हमेशा मुझे मिलता रहा। विश्व पुस्तक मेलों में भी हमेशा आशीर्वाद आप देते रहे और आज फेसबुक के माध्यम से आपको देख के मन आह्लादित हो गया और इसकी अभिव्यक्ति शब्दों से मैं नहीं कर सकता। इसलिए मैं आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ कि गुरु जी आपने मुझे संक्षिप्त समय दिया, इस तरह आपका आशीर्वाद हमेशा मिलता रहे इसकी आशा करता हूँ। इसके पूर्व भी मैंने दो दो बार आपसे संपर्क किया था, समयाभाव के कारण आप बनारस ना आ सके। माननीय कुलपति महोदय प्रोफेसर राजा राम शुक्ल जी का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने एक नई परंपरा की शुरुआत की और आपने कहा कि सामाजिक समरसता और पंडित कमलापति त्रिपाठी विषयक जो राष्ट्रीय परिसंवाद संगोष्ठी की जो आपने अनुमति दी, आपका जो संकल्प है आपके संकल्प को हम लोग आजीवन पालन करने का प्रयास करेंगे। प्रत्येक वर्ष मैं ये घोषणा करता हूँ आपके तरफ से कि प्रत्येक वर्ष पंडित कमलापति त्रिपाठी जी की जयंती के शुभ अवसर पर प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया जाएगा, इसका प्रकाशन कार्य भी किया जाएगा और आपने जिस परंपरा की शुरुआत की ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे विश्वविद्यालय को गुरु जी के बाद पंडित प्रोफेसर अभिराज मिश्र जी के बाद दूसरा प्रकांड विद्वान कुलपति प्राप्त हुआ जिसके देखरेख में आज विश्वविद्यालय की पताका चतुर्थी संस्कृत जगत की नहीं विश्व में भी फैल रही है। इसके लिए हम कुलपति जी के विशेष रूप से आभारी हैं। मैं कुलपति जी से कहने गया था इस कार्यक्रम के लिए कि COVID-19 को देखते हुए कोई कार्यक्रम ना किया जाए, मात्र पंडित जी की मूर्ति पर माल्यार्पण का श्रद्धा सुमन अर्पित कर दिया जाए। कुलपति जी ने कहा कि नहीं, पंडित कमलापति त्रिपाठी जैसा विश्व विद्वान भारत की सभ्यता और संस्कृति के जन नायक का कार्यक्रम इतने संक्षेप में नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि हम इसके संगोष्ठी का पूरा आयोजन कराते हैं। कुलपति जी ने मात्र 15 मिनट के अंदर आप लोगों को आमंत्रित किया, पूरी संगोष्ठी का एक रूप दिया। इसके लिए हम माननीय कुलपति महोदय के आभारी हैं। साथ ही साथ महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के यशस्वी कुलपति प्रोफेसर टीएन सिंह महोदय जी का भी हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने अल्प समय में इतने गूढ़ रहस्यों को पंडित जी के बारे में जो व्यक्त किया। और हमने ऐसा सपने में भी नहीं सोचा था कि पंडित जी के बारे में एक महान शिक्षाविद का इतना बड़ा वक्तव्य होगा। हम लोग तो पंडित जी के परिवार से जुड़े हैं, संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय परिवार पूरा ऋणी है। कुलपति महोदय के आदेश से संक्षिप्त संगोष्ठी का यह आयोजन किया जाना था। आज जो हमारे हजारों लाखों लोग इंटरनेट के माध्यम से जो इस संगोष्ठी को देख रहे हैं, सामाजिक संस्था और पंडित कमलापति त्रिपाठी, उनके प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। कुलपति जी के आदेशानुसार 12 बजे पंडित कमलापति त्रिपाठी जी के मूर्ति में माल्यार्पण के कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले हमारे विश्वविद्यालय के आचार्यगण प्रोफेसर राम पूजन पांडे जी, प्रोफेसर रमेश कुमार द्विवेदी जी, प्रोफेसर हरप्रसाद दीक्षित जी, प्रोफेसर ब्रजभूषण ओझा जी, सहायक कुल सचिव श्री सुनील कुमार यादव जी, कर्मचारी संघ के अध्यक्ष महामंत्री जी और सबसे अनन्य और पंडित जी के अनन्यतम शिष्यों में एक पंडित विजय शंकर पांडे जी जो 10 दिन पहले से ही कार्यक्रम की तैयारी में लग जाते हैं, उनके प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूँ। अंत में पुनः गुरुवर प्रोफेसर अभिराज राजेंद्र मिश्र जी का एक लाइन में कोट करने की अनुमति चाहूंगा। आपने पुस्तक प्रदर्शनी के समय 2004 में जब आपके चाचा जी ने उस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया था, आपने उद्धृत किया था, उन शब्दों को मैं आज कहना चाहूंगा। आपने कहा था कि विद्वान कोई हो सकता है परंतु कभी लाखों में एक होता है, लाखों में। और इस चीज को मैं आज भी इंटरनेट पर अगर किसी कवि का वक्तव्य आता तो मैं लिखता हूँ कि गुरु जी ने ऐसा कहा था। हमारे विश्वविद्यालय के
तकनीकी सहयोग के लिए हमारे नवागत प्राध्यापक गण श्री राजा पाठक, श्री विजेंद्र आर्य, अन्य सभी लोग जो इस कार्यक्रम के लिए जुड़े रहे, मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और कुल अंत में पुनः कहता हूँ कि कुलपति जी के संकल्प को हम लोग आजीवन पालन करेंगे, जब तक ये संस्थान रहेगा ये परंपरा चलती रहेगी। और ये प्रथम संगोष्ठी के बाद द्वितीय संगोष्ठी की अध्यक्षता भी हम कुल आज वर्तमान कुलपति प्रोफेसर राजा राम शुक्ल जी से ही कराएंगे, इसका हम वचन लेते हैं। इसके साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। गुरु जी, इसमें हम लोग के कार्यक्रम में 25,000 तक के लोग जुटते हैं। सताइस अट्ठाईस दिनों में हमारी रीच 1,20,000 तक पहुंच गई। जी के लिए अनुकरणीय चीज है और उल्लेखनीय चीज है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। आपको आपकी कृपा बनी रहे बस। अरे कृपा का सवाल ही नहीं डॉक्टर साहब, आप बस आज्ञा कीजिए। नहीं बस। और जो आपने कहा है मैं अभी थोड़ी देर में भिजवा रहा हूँ। जी हाँ, अभी प्रेषित करा रहा हूँ। अंत में सर्वदेव नमस्कार विश्वनाथम प्रति गच्छति, अंत में बाबा विश्वनाथ को प्रणाम निवेदित करते हुए, पंडित जी को संस्मरण करते हुए, गुरुजनों को प्रणाम करते हुए ये सभा यहीं पर पूर्णता को प्राप्त होती है। गुरु जी प्रणाम। सर्वे भवन्तु सुखिनः भैया। और कुलपति जी को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि बहुत ही जानी मानी प्रतिभाओं को आप ले आए प्रांगण में और विश्वविद्यालय की आयु आपने बढ़ा दी। ऐसे विद्वानों के आने से जिनका नाम मैंने सुना है, तो इन लोगों के आने से निश्चित रूप से हमारे विश्वविद्यालय का आयुष्य बढ़ गया। हमारी जो पुरानी परंपराएं शिथिल हो रही थी, अब एक बार फिर जो है वो एकदम हरी हो जाएंगी। तो आपके लिए, आप गुण पक्षधर हैं, एक विद्वान ही विद्वान को जानता है अच्छी तरह से, तो आपने बहुत अच्छा कार्य किया बंधु। और आपको बहुत बहुत बड़ा होने के नाते मैं आशीर्वाद भी देता हूँ, बधाइयां भी देता हूँ। बहुत अच्छा। अंते पुनर एक बार सर्वे भवन्तु सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। जयतु भारतम्, जयतु संस्कृतम्। रत्नाकर जी, बहुत बहुत बधाई आपको। निदेशक जी। जी गुरु जी, लीजिए रत्नाकर जी। प्रणाम सर। प्रणाम। हाँ जी सर। प्रणाम। निदेशक जी, आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई, बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ। सब कृपा है आपकी सर, सब आपकी कृपा। दोनों ही कार्यक्रम बहुत अच्छे थे, और सवेरे वाला भी और अभी का भी, दोनों बहुत अच्छा था। नहीं, सब आपका आशीर्वाद है। जी गुरुजी, अब बंद कर देता हूँ। प्रणाम। बस ते गिरिं यत् कृपातम हम वंदे परमानंद माधवम्। सबसे पहले बाबा विश्वनाथ के श्री चरणों में अनंत कोटि प्रणाम, साथ ही जगत जननी मान पूर्णा के चरणों में अनंत कोटि प्रणाम। और आज इनकी जन्म जयंती है। हम सभी जानते हैं पंडित कमलापति त्रिपाठी जी की आज जन्म जयंती है, जिनके आशीर्वाद, जिनके प्रयास से इतना बड़ा भव्य संस्कृत विश्वविद्यालय पुष्पित और फलित हो रहा है। पंडित कमलापति त्रिपाठी जी के श्री चरणों में जिनकी यशः काया आज भी हम सबके सामने विद्यमान है, उस यशः काया को हम सभी बार बार स्मरण करते हैं, उसको प्रणाम करते हैं, निवेदन करते हैं। साथ ही 115वां पंडित कमलापति त्रिपाठी जयंती महोत्सव में अंतरजाल के माध्यम से संबद्ध यशस्वी परम पूज्य गुरुदेव संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति राजा राम शुक्ल जी के श्री चरणों में मेरा प्रणाम है। साथ ही आज के अभिनव कालिदास
नए नए साहित्य के सृजक, पद्मश्री से विभूषित इस यशस्वी विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति अभिराज राजेंद्र मिश्र जी भी विद्यमान हैं। मैं उनको भी प्रणाम करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। साथ ही महान अर्थशास्त्री महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के यशस्वी कुलपति प्रोफेसर टी एन सिंह जी भी जुड़े हुए हैं, उनका आशीर्वाद है। हम सबकी प्रार्थना को अंगीकार करके अत्यंत व्यस्त होते हुए भी पंडित जी के श्री चरणों में पुष्पांजलि अर्पित करने हेतु उपस्थित हैं। मैं उनको भी प्रणाम करता हूं, स्वागत करता हूं। साथ ही यहां हमारे पास अभी श्री विजय शंकर पांडे जी उपस्थित हैं, उनको भी प्रणाम है, जिन्होंने पंडित जी के जीवन चरित्र को देखा है, समझा है, बहुत अच्छा उन्होंने कहा, हम सभी ने सुना भी। साथ ही प्रकाशन विभाग के निदेशक डॉक्टर पद्माकर मिश्र जी हैं, जिनके प्रयास से इतना महनीय कार्यक्रम हो रहा है, तो उनको भी प्रणाम करता हूं। तो आप सभी जानते हैं पंडित कमलापति त्रिपाठी जी एक शिक्षाविद थे, एक बहुत बड़े पत्रकार थे, एक राजनेता थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, ये सब बहुत सारे गुणों का संगम पंडित जी थे, जिनके चरित्र, जिनके जीवन को आज पूरा पंडित समाज, पूरा विद्वत समाज, काशी की पांडित्य परंपरा निरंतर जिस चीज का स्मरण करती है और अपने आप को गौरवान्वित मानती है। विशेष करके आप सभी जानते हैं कि यह वर्तमान संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय अत्यंत प्राचीन है, जैसा कि सभी इसके ऐतिह्य को जानते हैं। 1751 ईस्वी में एक विद्यालय के रूप में स्थापित हुआ, पुनः 1958 में जब डॉक्टर संपूर्णानंद इस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उस समय पंडित जी शिक्षा मंत्री थे। और मैं यह कहूं कि पंडित जी की यह प्रेरणा थी और प्रयास था जो एक महाविद्यालय, एक विश्वविद्यालय का रूप लिया। तो विशेष करके इस विश्वविद्यालय के संबद्ध जो सदस्यगण हैं, अध्यापक हैं, आचार्य हैं, वो त्रिपाठी जी के प्रति कृतज्ञ हैं, अवनत हैं, और बार बार विश्वविद्यालय परिवार उनके चरण में अनंत कोटि प्रणाम निवेदित करता है। तो मैं ज्यादा समय न लेते हुए, आप सभी पंडित जी के व्यक्तित्व और कृतित्व को अच्छे से जानते हैं। पंडित जी पूरे भारत के लिए काम किए, लेकिन चूंकि काशी के थे, सरजूपारी ब्राह्मण थे, और जैसा कि भी विजय पांडे जी बता रहे थे, संध्योपासन, दुर्गा सप्तशती का पाठ, चंदन लगाना और विप्र उचित कर्म का अनुष्ठान करते थे, इसलिए भी उनको वंदन है, प्रणाम है हम सभी की ओर से। तो आज इस जन्म जयंती के अवसर पर जो भी हमारे अतिथि यहाँ उपस्थित हैं, विशेष करके पद्मश्री अत्यंत सज्जन सरल, जिनके विषय में क्या कहना है, यहाँ उन्होंने तपह की, उनकी तपह साधना है कि यह विश्वविद्यालय आज इतना अग्रसर हो रहा है। तो मिश्र जी के श्री चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए, वर्तमान जो ऋषिकल्प जो कुलपति हैं यहाँ के, प्रोफेसर राजा राम शुक्ल जी, उनके श्री चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए, आज के जो हमारे विशिष्टातिथि हैं प्रोफेसर टी एन सिंह जी, उनके श्री चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए मैं इस कार्यक्रम का आरंभ करता हूँ। तो सबसे पहले हम सभी के बीच में अंतरजाल के माध्यम से जुड़े हुए आज इस जयंती महोत्सव के विशिष्टातिथि प्रोफेसर टी एन सिंह जी हैं, एक महान अर्थशास्त्री हैं, लब्ध प्रतिष्ठ हैं, पूरा विश्व इन्हें जानता है, एक कुशल प्रशासक हैं। तो इनसे मैं निवेदन करूंगा सबसे पहले कि पंडित कमलापति त्रिपाठी जी के विषय में आप अपने उद्बोधन को प्रस्तुत करें, साथ ही हम सबको आशीर्वाद प्रदान करें। प्रोफेसर टी एन सिंह जी, कुलपति महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ। सर आप अनम्यूट करिए अपने को। जी हाँ, मेरी आवाज आ रही है? अब आ रही है। जी आ रही, आ रही, आ रही। जी भूषण जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अर्थशास्त्री नहीं, भूगर्भ शास्त्री हूँ। लेकिन ठीक है, आजकल सभी कुलपति अर्थशास्त्री हो गए हैं। अर्थ के अभाव में अर्थशास्त्री हैं हम लोग। तो आज हम सारे लोग एक उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे भारतवर्ष के एक ऐसे
विद्वान हिंदी प्रेमी और भारतीय सभ्यता के जो पोषक के रूप में जिनको पूरा भारतवर्ष देखता है, ऐसे हम सबके प्रिय, हम सबके चेतना को जागृत करने वाले पंडित कमलापति त्रिपाठी जी का आज जन्मदिवस है। उसके अवसर पे संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति जी ने ये कार्यक्रम का आयोजन किया है। मैं प्रोफेसर राजाराम शुक्ल जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ और बहुत उनको उनके साथ मैं अपने को जोड़ता हूँ कि किस तरह से ये विश्वविद्यालय भी कमलापति त्रिपाठी जी के अनुशंसा से ही आगे बढ़ा है। और उनका केवल संपूर्णानंद नहीं, मुझे लगता है कि काशी विद्यापीठ का में भी काफी उनका योगदान रहा है और वो काफी यहाँ सक्रिय रहे हैं। तो दो दो विश्वविद्यालयों के जनक के रूप में और उनको आगे बढ़ाने के रूप में देखा जाएगा। राजनीतिक दृष्टि से जिस तरह से पंडित जी का जीवन रहा है, तो मुझे लगता है कि उनके जीवनी से एक चीज हम लोगों को बहुत सीखनी चाहिए कि काम में ही आराम है। ऐसा वो मानते थे कि यदि आराम करना है तो काम लगातार करते रहिए, उसी में आराम की खोज करिए। तो ये इससे उनके साहित्य में जो सृजनता है उसका हम लोगों को ज्ञान होता है कि किस तरह से काम करते आराम करता है व्यक्ति। तो मुझे लगता है कि उन्होंने काम में आनंद को प्राप्त किया और इसी कारण से बहुत सारे कार्यों को वो करते रहे, जिसमें कि राजनैतिक भी है, राजनीति के भी चरम शिखर पे पहुंचे, उप मुख्यमंत्री से लेके मुख्यमंत्री, भारत सरकार में भी जो रेलवे स्टेशन है बनारस का, वो उनकी ही देन है। उन्होंने जिस तरह से कृषि की प्रधानता को पहचाना और पूरे आजकल जो अलग जिला हो गया है चंदौली, उसके अंदर जिस तरह से नहर का निर्माण कराया, सिंचाई की पूरी परियोजना उनकी है, और उन्होंने जिस तरह से उसको किया, यदि इसी तरह का प्रयोग आने वाले दिनों में अन्य राजनैतिक या राजनैतिक नेता यदि उसी को आगे बढ़ाते, तो शायद पूर्वांचल में आज एक अलग ही परिदृश्य होता और एक अलग तरह से पूर्वांचल के बारे में लोग देखते और सुनते। लेकिन किन्हीं कारणों से नहीं हो पाया, फिर भी मुझे लगता है कि वो एक तरह का मॉडल है जो वहां देखना चाहिए कि किस तरह से सिंचाई की सुविधा करा करके किसानों को संपन्न कराया जा सकता है, और आज की सरकार भी उस प्रयास में लगी हुई। तो ये दूरदर्शिता होती है कि जिस व्यक्ति ने 50 साल 60 साल पहले जिन चीजों को देखा, आज की सरकार भी उनको उस विषय को ही ध्यान दे रही है जिसमें किया उन्होंने ध्यान दिया था उस समय। और शायद हम 50 साल किए होते तो बहुत सारा कुछ पूर्वांचल के विकास के लिए हमें किसी के पास जाना नहीं पड़ता और पूरा का पूरा पूर्वांचल जो है संपन्न होता हर दृष्टि से। तो पंडित जी का जो सहयोग रहा है, जो उन्होंने काशी और काशी से जुड़े हुए क्षेत्र के लिए किया, वो बहुआयामी है। और आज के दिन मुझे लगता है कि हम लोगों को किसी एक विषय और एक विचार से पंडित जी को बांध करके उनके व्यक्तित्व को संकुचित करने का प्रयास नहीं करना चाहिए किसी को भी। आज वो पूरे भारतवर्ष के नेता थे, न कि कांग्रेस के थे, पूरा भारतवर्ष उस समय उनको आदर्श मानता था। उनके विरोधी भी उनके यहाँ जाकर के आशीर्वाद लेते थे, उनके विरोधी भी जो चुनाव में उनका विरोध करते थे उनको भी वो कहते थे कि भाई आपके पास खाना है कि नहीं, खाना ले लीजिए, पेट्रोल है कि नहीं पेट्रोल ले लीजिए, आपके पास जाने के लिए पैसे है कि नहीं कहीं वो ले लीजिए। आज लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में देखिए ये अनुकरणीय चीज है। सारे राजनीतिज्ञों को ऐसा अनुकरण करना चाहिए कि हमारे विचारों के जो विरोधी हैं वो हमारे शत्रु नहीं है, वो भी हमारे अंग हैं। और जब विचारों की भिन्नता नहीं रहेगी, मंथन नहीं होगा, तो नई चीज कैसे आएगी। और ये ही उन्होंने अपने संपादकीय में भी कई बार जिक्र किया था जब वो आज और संसार के संपादक के रूप में कार्य करते थे। तो एक सफल संपादक, एक सफल जो है साहित्य प्रेमी, उसके बाद एक सफल प्रशासक के रूप में उनको देखिए, एक राजनीतिक सफलता के दृष्टि से देखिए,
भाई बहुत ऐसा लगता है कि कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसमें उन्होंने कोई ना कोई सहयोग और कोई ना कोई जो है नया और नयापन नहीं दिया हुआ। तो ऐसे काशी के मैं भारतवर्ष के गौरव है, काशी वालों के लिए विशेष गौरव का विषय है कि हम लोग उस भूमि में रहते हैं जहां पर उस विश्वविद्यालय में रहते हैं जहां पर उनके द्वारा किया गया कार्यों को आगे बढ़ाने का हम लोग को अवसर मिला है। मैं कुलपति जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि आपने आज इस दिवस को संडे होने के बावजूद भी नियत समय पे आपने आयोजित किया और ऐसे मूर्धन्य विद्वान को आपने आमंत्रित किया है मुख्य वक्ता के रूप में, जिनको हमेशा सुनने से हम लोगों को प्रेरणा मिलती है और वे हमेशा कुछ न कुछ नया और नए तरीके से चीजों को देखने का काम करते हैं। तो मैं बहुत आपका समय नहीं लेकर के अपना श्रद्धा सुमन उनके जन्म दिवस के अवसर पे अर्पित करता हूं उनके चरणों में और कुलपति जी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए मैं चाहता हूं कि कोई एक बड़ा कार्यक्रम जब कोविड समाप्त हो तो कमलापति जी के बारे में दोनों विश्वविद्यालयों को जब तक हम दोनों हैं कम से कम एक संयुक्त कार्यक्रम ऐसा किया जाए जिससे कि इनकी प्रतिभा को और भी लोगों को संपन्नता के बारे में इनकी जो विचारों की संपन्नता उसके बारे में सबको लगना चाहिए। आज नया युग है, नई पीढ़ी के लोग हैं, शायद केवल नाम जानते हैं लेकिन उनके आदर्शों को भूल रहे हैं और आज मुझे लगता है कि जो समाज में उनके आदर्शों के ऊपर विचार करने की जरूरत है, उसको अपनाने की जरूरत है, तभी जाकर के हमारा सार्वभौमिक समाज जो है वो रह पाएगा, समरसता रह पाएगी और हम सारे लोग आगे बढ़ पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपके प्रति बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद, नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद। कुलपति जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि पंडित जी के व्यक्तित्व को हम संकुचित दायरे में नहीं देख सकते हैं। पंडित जी का व्यक्तित्व बहुआयामी था और निश्चित रूप से हमको ऐसा कार्यक्रम करना चाहिए जो पंडित जी का विशाल व्यक्तित्व और कृतित्व है उससे पूरा भारत पूरा राष्ट्र परिचित हो। इस तरह का आयोजन संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय करे और मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, दरअसल अंतरजाल में बहुत सारे दोस्त भी हैं। आज रात मैं प्रोफेसर टीएन सिंह जी के विषय में नेट से पढ़ रहा था तो बार बार कई लोगों ने लिखा था अर्थ साइंस के गया था, तो चूंकि हमने बायोडाटा नहीं मंगाया था इसलिए हमने तो आज शिक्षा के जगत में बहुत उपयोगी है नेट, लेकिन कभी कभी इस तरह की भ्रांतियां भी हम सबके बीच पैदा कर देता है। इसलिए जो साक्षात गुरु पठन पाठन परंपरा है, लेकिन हमारे गुरुवर जो हमारे विद्या गुरु हैं वर्तमान कुलपति, इसलिए गुरु की आवश्यकता जीवन रहती है और अर्थ के अभाव में अर्थशास्त्री हम सभी कुलपति, एक अच्छी व्याख्या जो है, बहुत आनंद आया और आपको पुनः पुनः प्रणाम और ऐसे ही हम सबको आप आशीर्वाद प्रदान करते रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं प्रोफेसर पीएन सिंह जी का यहाँ प्रणाम करते हुए अब आगे चलते हैं। हमारे बीच जैसा कि आपने अभी बताया मुख्य अतिथि के रूप में गुरुवर अभिराज राजेंद्र मिश्र जी उपस्थित हैं। आप सभी जानते हैं अनेक पुरस्कार से पुरस्कृत है और हम सबके लिए गौरव का विषय है कि हमारे इस यशस्वी संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के वो पूर्व कुलपति हैं और अभी कुछ महीने पहले उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भारत सरकार ने पुरस्कृत किया है। ये सभी संस्कृतज्ञों के लिए गौरव का विषय है, लेकिन उससे बड़ी बात जब भी हम मिश्र गुरु जी के जीवन में देखता हूं, अत्यंत सरल स्वभाव, सहृदय सज्जन, और जब भी हम लोग निवेदन करते हैं कभी उनके जीवन में अहंकार और अभिमान हमें नहीं दिखाई दिया। तो ऐसे आचार्य श्री अभिनव कालिदास और मैं कहूं 100 से अधिक ग्रंथों के प्रणेता आज के मुख्य अतिथि हमारे प्रोफेसर अभिराज राजेंद्र मिश्र जी पद्मश्री उपस्थित हैं। मैं उनके श्री चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए उनका आशीर्वचन प्राप्त करने के लिए मैं निवेदन करता हूं कि वो पंडित जी के विषय में हम सबको उद्बोधन देंगे, अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगे। गुरु जी प्रोफेसर मिश्र जी। <coughs>
मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है ना? जी गुरु जी, जी गुरु जी प्रणाम करता हूँ। गुरु जी प्रणाम, प्रणाम। भैया भैया जय हो, जय हो, जय हो, जय। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के अत्यंत कर्मठ, अत्यंत विनम्र और विद्वत व संबद्ध कुलपति, जो मेरे लिए मेरे मित्र भी हैं, छोटे भाई भी हैं और हमारी पीढ़ी के बहुत ही स्थापित विद्वत जनों में से अन्यतम हैं, आज उनके संरक्षण में पंडित कमलापत त्रिपाठी जी का हम लोग स्मरण कर रहे हैं। उनकी जयंती के अवसर पर यह विश्वविद्यालय की कृतज्ञता का एक बहुत ही उज्ज्वल पक्ष है और इसके लिए निश्चित रूप से हम कुलपति जी के प्रति आभारी भी हैं और उनको हार्दिक बधाइयां और आशीर्वाद भी देते हैं कि उन्होंने उस महान पुरुष को, उस महान व्यक्तित्व को आज स्मरण किया जो इस विश्वविद्यालय रूपी कल्पवृक्ष को रोपने में एक प्रमुख भूमिका का भागीदार था। पंडित कमलापत त्रिपाठी जी के विषय में मैं क्या कहूं, मैं उन भाग्यशाली व्यक्तियों में से हूं मित्रों जिनका परिचय उनसे तब हो गया था जब मैं उनका महत्व जानने के योग्य भी नहीं था। आज भी मुझे वह क्षण स्मरण है जब हमारे इंटर कॉलेज में, जय हिंद इंटर कॉलेज तेजी बाजार में वार्षिकोत्सव हो रहा था और उस समय पंडित कमलापत त्रिपाठी जी मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित थे, वह शिक्षा मंत्री थे और हमारे प्राचार्य महोदय जो कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के ही स्नातक रहे, इसलिए उन्होंने बड़ा जतन करके, बड़ा सोर्स लगा करके, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी का सोर्स लगा करके पंडित जी को मुख्य रूप अतिथि के रूप में आमंत्रित किया था। मैं उस समय 9th क्लास का विद्यार्थी था, परंतु विद्यालय के प्रत्येक समारोह में गायन के अवसर पर, वक्तृता के अवसर पर मैं ही स्मरण किया जाता था क्योंकि माँ वाणी की कृपा से मुझ में ये कला उसी समय अंकुरित हो गई थी। और हमारे प्रबंधक महोदय जब अपना नेट प्रॉब्लम है क्या? जी जी नेटवर्क नहीं आ रहा शायद गुरु जी का, वहां पर वहां काफी ठंड पड़ी है लेकिन उस नेटवर्क बाधा कर रहा है गुरु जी कुछ। अब गुरुजी के, हाँ गुरुजी नहीं पाठक जी,
पाठक जी, विजेंद्र जी, जी गुरु जी, गुरु जी जुड़े तो हैं अभी लगता है कि हट गए हैं? हट गए गुरु जी, अभी नहीं है वो। हाँ देखिए जुड़ जाते हैं ठीक है। एक बार फोन करो, अब फोन करता हूँ। गुरुजी, हाँ, उनका स्विच ऑफ बताने लगा और लगता है नेटवर्क से बाहर हो गए। एक बार और देख लेते हैं, एक बार और लगाता हूँ। एक बार और लगा लेते हैं फोन। हाँ गुरु जी, हेलो, उनका लगता है स्विच ऑफ हो गया मोबाइल। ऐसा करो ना, पीआरओ को फोन करो, उसके पास दो तीन नंबर होंगे। अच्छा एक नंबर तो और है मेरे पास, देख लेता हूँ मैं, दूसरे नंबर पर भी देख लेता हूँ। हेलो, हाँ अब जुड़े हैं मुझे। हेलो, हाँ आ रही है आवाज? हाँ दुर्भाग्य से, हेलो, हाँ जी गुरु जी आ रही है आवाज? जी हाँ, नेटवर्क चला गया था यहाँ, यही सबसे बड़ी परेशानी है। तो मैं अपने पुराने संस्मरण बता रहा था कि अपने इंटर कॉलेज में एक समारोह में पंडित जी आमंत्रित थे और मैं 9th क्लास का विद्यार्थी था। उस समय स्वागत गीत गाने के लिए मुझे प्राचार्य जी की ओर से नियुक्त किया गया। मैंने अपने कोमल स्वर में हिंदी का गीत गाया था। हिंदी का गीत तो मेरे एक अध्यापक थे इतिहास के, अंबिका प्रसाद द्विवेदी जी, उन्होंने लिखा था और वो गीत मैंने गाया था। वो मेरे जीवन का प्रथम अवसर था जब मैंने पंडित जी के दिव्य व्यक्तित्व का दर्शन किया। उनके शरीर की एक जो आभा थी, उनके व्यक्तित्व की जो गरिमा थी और उनका जो विशुद्ध भारतीयता में सना हुआ जो रूप था, वो सबको मोहित करने वाला था। पंडित कमलापत त्रिपाठी जी एक ऐसे महान वंश में उत्पन्न हुए थे मित्रों, जिसका इतिहास अभी शायद बहुत गहराई से लोगों को नहीं मालूम है। मैंने तो यहां तक पढ़ा है कि पंडित राज जगन्नाथ शहजादा दारा शिकोह को उपनिषदों का अध्ययन कराने के लिए जिस वाराणसी के आचार्य के पास ले गए थे, वे पंडित रामानंद पति त्रिपाठी जी पंडित कमलापत त्रिपाठी जी के पूर्व वंशों में से थे। ये एक स्थापित सत्य है, इसका और गहराई से अन्वेषण किया जाना चाहिए। लेकिन उस 16वीं-17वीं शताब्दी में भी आचार्य रामानंद पति त्रिपाठी काशी के दिग्गज पंडितों में से एक माने जाते थे। वही वंश है जिस वंश परंपरा में हमारे युग के महान राजनैतिक कर्णधार पंडित त्रिपाठी जी पैदा हुए। तो ये उनकी अपनी पूर्व वंश परंपरा थी। उन्होंने विद्या का गहराई से अध्ययन किया था और उन्होंने भारतीय राजनीति में
एक सात्विक राजनीति का जो उन्होंने सात्विक राजनीति की जो स्थापना की वह न उनके पहले उस रूप में विद्यमान थी और उनके तिरोधान के बाद तो वह सदा सदा के लिए समाप्त ही हो गई। पंडित जी बहुत ही कर्मठ व्यक्तियों में से थे। वो विशुद्ध रूप से सबसे पहले एक ऐसे भूसुराग्रणी थे, एक ऐसे महान द्विज थे जो कि अपने आनुवंशिक परंपरा के पालन में कभी कोई संकोच नहीं करता था। मेरे मित्रों ने बताया कि वो भगवती परांबा के महान उपासक थे, लेकिन वो सामान्य उपासक नहीं थे। ऐसे उपासक नहीं थे जो केवल दुर्गा सप्तशती का पाठ करके अपने इति कर्तव्यता का अनुभव कर लेता है। वह एक ऐसे भक्त कवि थे, वह एक ऐसे भक्त उपासक थे जो एक पैर पर खड़ा होकर के पूरी स्तुति करता था और उस समय उनकी आंखों से अपार अश्रुधारा बहती थी, देखने वाले स्थगित हो जाते थे। जब तक पंडित जी विंध्येश्वरी धाम में जाकर अपनी स्तुतियां पढ़ते थे तब तक कोई भी व्यक्ति टस से मस नहीं होता था, किसी अन्य व्यक्ति को दर्शन करने का साहस नहीं होता था, वह केवल पंडित जी को देखता था, उनको सुनता था। तो पंडित जी उस परंपरा के भक्त थे जिस परंपरा का श्री गणेश मध्यकाल में गौरांग महाप्रभु ने किया था। भगवान कृष्ण के वियोग में नाचते नाचते गाते गाते जो मूर्छित हो जाया करते थे, पंडित जी उस परंपरा के विद्वान थे और उस परंपरा के वो भगवती के भक्त थे कि एक पैर पर खड़े होकर के वो भगवती की स्तुति करते थे, दुर्गा सप्तशती का पाठ करते थे। यही कारण था कि प्रियदर्शिनी इंदिरा गांधी जी की अपार श्रद्धा उनके प्रति थी। वो सामान्य रूप से खुलेआम भले न संबोधन करती हो, लेकिन अपने घर में वो सदैव उनको चाचा के रूप में संबोधन करती थी, पंडित नेहरू के छोटे भाई के रूप में स्वीकार करती थी और उनके बिना, उनकी मंत्रणा के बिना उन्होंने जीवन में कोई ऐसा कार्य नहीं किया। पंडित जी यद्यपि उनके बारे में कहा जाता है कि वो बहुत बड़े ब्राह्मणवादी थे, ये किसी भी प्रकार का वाद मनुष्य के लिए घातक नहीं होता है, बशर्ते कि उसमें सर्वजन समन्वय हो। सर्वजन समन्वय न होने पर भले ही उसके बारे में उंगली उठाई जाए, लेकिन पंडित जी के साथ ऐसा नहीं था। अब किसी भी वर्ग में, किसी भी परिवार में, वंश में, खानदान में, जात में जन्म लेना ये मनुष्य का एक ऐसी उसकी परिस्थिति है जिसके बारे में वो बेचारा कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि ये ईश्वराधीन होता है। हम चाहे ब्राह्मण वंश में पैदा हो जाएं और चाहे दलित वंश में पैदा हो जाएं, हमारा उसमें क्या वश है, लेकिन वश हमारा इस बात में है कि हम जहां भी पैदा हो हम समूचे समाज को हम अपना मान करके, अपना बंधु मान करके काम करें। और इस दृष्टि से देखा जाए तो पंडित जी जैसा दयालु, उनके जैसा परदुख कातर, उनके जैसा सर्वानुग्रही, उनके जैसा समत्व की भावना रखने वाला ऐसा कोई दूसरा राजनेता नहीं पैदा हुआ। ऐसा एक भी उदाहरण नहीं दिखाई पड़ता है, कोई आदमी उद्धृत नहीं कर सकता है कि उन्होंने कहीं पर इस प्रकार इस दृष्टि से कोई मतभेद किया हो कि कई जो है उसमें कैंडिडेट रहे हो, कई प्रत्याशी रहे हो, तो उन्होंने किसी ब्राह्मण को बहुत ही कृपान्वित कर दिया हो या किसी की उपेक्षा की हो। पंडित जी इस प्रकार के नहीं थे, लेकिन किसी के प्रति कृपालु होना, किसी के ऊपर कृपा करना, ये हमारा एक तरह से व्यक्तित्व की हमारी गरिमा है, ये हमारा अधिकार है और इसमें जो है कोई बुराई नहीं होती है। मित्रों, पंडित जी के विषय में जितना कुछ कहा जाए कम है। सच बात तो ये है कि जब मैं उनका स्मरण करता हूं तो मुझे पंडित राज जगन्नाथ की वो कविता याद आ जाती है, अन्य जगद्धित मई मन सह प्रवृत्ति ही अन्य काफी रचना वचनावली नाम। जो महापुरुष होते हैं, अन्य जगद्धित मई मन सह प्रवृत्ति ही, सारे संसार का कल्याण करने में लगी हुई उनकी मन की जो प्रवृत्ति है वह विलक्षण होती है।
उनकी मानसिक प्रवृत्ति ही विलक्षण होती है। और वो विलक्षणता किस बात पे है? विलक्षणता इस बात पे है कि हम संपूर्ण संसार का, संपूर्ण जगत का हम उद्धार कर सके, हम सबको ऊपर उठा सके। अन्य जगत धितमयी मनसा प्रवृत्ति, अन्य काफ्य रचना वचनावली ना। और जब वो बातचीत करते हैं किसी के साथ तो उनकी बात करने की जो पद्धति है वह भी एक विचित्र पद्धति होती है। उनकी बात में कोई लाग लपेट नहीं होता है, कोई उसमें गोपन नहीं होता है, कोई उसमें शठता नहीं होती है, किसी भी प्रकार का कोई टेढ़ापन नहीं होता है। वो सारी बात उनके हृदय के अंतराल से निकलती है। तो लोकोत्तरा चकृति आकृति आत्महिद्या, लोकोत्तरा चकृति, उनके जितने भी काम होते हैं वे लोकोत्तर होते हैं। वो चाहे मानसिक चिंतन हो, चाहे वह व्यक्तिगत रूप से किया गया कार्य हो, और चाहे वह वचन के माध्यम से व्यक्त किया गया कार्य हो, यानी मन वचन और कर्म तीनों ही माध्यमों से किया जाने वाला जो उनका कार्य है वह भी लोकोत्तर होता है। और उनकी आकृति आर्थिक, एक आकृति ऐसी होती है मित्रों कि जिसको देख करके कोई व्यक्ति उससे मिलना नहीं चाहता है, वो कनगी कटा करके चला जाता है दूसरी ओर। और एक व्यक्ति ऐसा होता है जिसके व्यक्तित्व में एक ऐसा दुर्वार आकर्षण होता है कि व्यक्ति खींचा हुआ चला जाता है मैग्नेट की तरह, चुंबक की तरह, जैसे चुंबक जो है लोहे को खींच लेता है, उस तरह से व्यक्ति खींचा हुआ चला जाता है। पंडित जी के व्यक्तित्व में एक ऐसा सम्मोहन था, एक ऐसा आकर्षण था कि कोई भी व्यक्ति उनसे बिना मिले नहीं रह सकता था, बिना उनके पास गए उनको प्रणाम किए बिना नहीं रह सकता था। लोकोत्तरा चकृति आर्थिक विद्यावताम सकल बेव गिराम दबीय। मैं तो ये परिकल्पना करता हूं कि पंडित जी राजनीति में गए, शिखर पर गए, लेकिन यदि वो विद्या के क्षेत्र में भी आए होते, एक भारतवर्ष के महान आचार्यों में उनकी गिनती होती, किसी और भी क्षेत्र में गए होते तो जाने कहां से कहां पहुंचते। इसलिए कि वो शिखर पर रहने वाले व्यक्तित्वों में से थे और उनको शिखरारूढ़ होना ही था। आज हम उनका स्मरण कर रहे हैं क्योंकि इस संस्कृत विश्वविद्यालय को निर्मित करने में, इसकी स्थापना करने में मुख्यमंत्री श्री संपूर्णानंद जी के साथ उनके दाहिने हाथ बनकर के उन्होंने जिस तरह से तत्कालीन हमारे जो है भारत के राष्ट्रपति को जिस तरह से उन्होंने जो है आकृष्ट किया, जिस तरह से उन्होंने कन्विंस किया, ये वही कर सकते थे क्योंकि वो इतिहास के वेत्ता थे। उनको जो है भारतवर्ष का प्राचीन इतिहास मालूम था और काशी की विभूति थे, काशी की पांडित्य परंपरा के अच्छे व्याख्याता थे। यदि उतनी सारी बातें राष्ट्रपति जी को न बताई गई होती तो शायद ये एक कॉलेज के स्तर से ऊपर उठ करके ये भारतवर्ष का सर्वप्रथम इदम प्रथम जो है संस्कृत विश्वविद्यालय न बन पाता। इसलिए आज हम उनके प्रति कृतज्ञता का पुष्प अर्पित करते हैं और उनकी स्मृति के माध्यम से आज हम अपने को धन्य समझते हैं कि इस विद्यालय की स्थापना में उनका महान योगदान रहा है। मैं और अधिक ज्यादा नहीं कहना चाहता, ढेर सारे यहाँ पर वक्ता हमारे मित्र आए हुए हैं, लेकिन मित्रों इतना जरूर आप लोग स्मरण करें कि पूर्व जन्म का कोई बहुत बड़ा महान पुण्य था हमारा आपका कि उस पवित्र विश्वविद्यालय में कार्य करने का अवसर मिल रहा है, जहां पर कि जिसकी धूल का एक एक कण महर्षिकल्प विद्वानों की चरणों के संस्पर्श मात्र से पवित्र हो चुका है। उस प्रांगण में जाते ही व्यक्ति जो है एक ट्रांस में पहुंच जाता है, एक समाधि की मनोदशा में पहुंच जाता है, बशर्ते यदि वो सहृदय हो तो। सहृदयता यदि उसमें है तो वो अनुभव कर सकता है कि यह कोई सामान्य विश्वविद्यालय नहीं बल्कि एक तपोभूमि है, एक ऐसी तपोभूमि जिसका जिसका कि एक दिव्य इतिहास है। तो ऐसे विश्वविद्यालय के आप सदस्य हैं, ऐसे विश्वविद्यालय की स्थापना में पंडित जी ने अपना योगदान दिया, हम उनको जो है नतशिर
उनको जो है प्रणाम करते हैं और उनके प्रति अपनी श्रद्धा भावना व्यक्त करते हैं। सच बात तो ये है कि उनके जीवन को हमें महाकाव्यानुबद्ध करना चाहिए। ये एक काम जो है अभी छूटा हुआ है हमारी नई पीढ़ी का, मुझे तो उतना अवसर नहीं मिल पा रहा है, अन्यथा ये जरूर है कि ऐसे व्यक्ति को पुण्य श्लोक बनाना चाहिए और पुण्य श्लोक बनने के लिए ऐसे ही व्यक्तित्वों की खोज होती है। तो अवसर मिले तो हमारी नई पीढ़ी के कवियों को इस बारे में जरूर सोचना चाहिए कि पंडित जी की कीर्ति को, उनके जीवन को स्थिरता देने के लिए संस्कृत भाषा के माध्यम से, और भाषा के लोग करें न करें लेकिन देववाणी संस्कृत के व्यक्तियों का, हम लोगों का ये कर्तव्य बनता है कि हम पंडित जी के जीवन को हम कलमबद्ध करें और उनको जो है पुण्य श्लोक बनाए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ, आपने इस महान यज्ञ में मुझे भी शामिल किया, मुझे जो है ये सूचना दी उनके जयंती दिवस की, मैं कुलपति जी के प्रति बहुत ही कृतज्ञ हूँ और उनके जिस तरह के अच्छे अच्छे कार्य नित्य प्रति सुनने को मिल रहे हैं, देखने को मिल रहे हैं, उससे बड़ी प्रसन्नता होती है, क्योंकि ये एक ऐसा पुष्पोद्यान है जिस उद्यान में हमें भी कुछ दिन सेवा करने का अवसर मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय एक विश्वविद्यालय नहीं, ये तपोभूमि है, अभी गुरु जी ने बताया, और बड़ा सौभाग्य का ये अवसर है कि आज एक ऋषि को, एक वर्तमान ऋषि ने श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इस युग के यदि ऋषि महर्षियों की बात की जाए तो गुरुवर प्रोफेसर अभिराज राजेंद्र मिश्र जी आज वर्तमान युग के ऋषि हैं, महर्षि हैं, इनका आशीर्वचन विश्वविद्यालय को प्राप्त हुआ। इस जन्म जयंती के अवसर पर पूरा विश्वविद्यालय परिवार प्रणति पूर्वक आभार प्रकट करता है और ऐसे ही आपकी कृपा इस विश्वविद्यालय पर सदा बनी रहे, ये हम सबकी कामना है। इन्हीं शब्दों के साथ गुरु जी के श्री चरणों में मैं प्रणाम निवेदित करता हूं। इस कार्यक्रम को आगे ले चलते हुए, जैसा कि आप जानते ही हैं, पंडित जी का व्यक्तित्व बहुआयामी था, वो केवल काशी के लिए नहीं संपूर्ण भारत के लिए कार्य किया। और आज गुरु जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि पंडित जी का जो जीवन है उस जीवन का श्लोकबद्ध होना अत्यंत आवश्यक है, और निश्चित रूप से आपके आशीर्वाद, आपकी प्रेरणा से जो नवयुवक कवि हैं वो कवि इस काम को करेंगे और हम लोग भी उनसे बात करेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं इस कार्य को करना, और शायद आपका आशीर्वाद होगा तो बहुत जल्दी ये कार्य होगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इस उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री से लेकर के मुख्यमंत्री, पुनः देश के रेल मंत्री, यहाँ के वित्त मंत्री, गृह मंत्री, बहुत से पदों पर उन्होंने कार्य किया, लेकिन सबसे बड़ा जो व्यक्तित्व है संस्कृत के लिए। मैं पंडित जी के विषय में रात बहुत पढ़ रहा था, देख रहा था, दो बातें हमें विरोधी चीज मिली लेकिन दोनों का समन्वय मिला। एक तरफ तो राष्ट्र के लिए धर्म निरपेक्ष थे लेकिन व्यक्तिगत जीवन में बिल्कुल धार्मिक थे। जैसा कि अभी गुरु जी ने कहा कि वो कोई सामान्य उपासक नहीं थे, भक्त उपासक थे। एक पैर पर ही पूरे दुर्गा सप्तशती का पाठ करना, माता का आराधना करना, तो यह तो अत्यंत जो धार्मिक होगा, अत्यंत जो साधक होगा वही कर सकता है। उनकी साधना का फल है जहां आप हम लोग आज उपस्थित हैं, वो कल्प वृक्ष, वो विश्वविद्यालय आज इस रूप में दिखाई दे रहा है। तो गुरु जी को बहुत बहुत प्रणाम निवेदन। साथ ही इस यशस्वी विश्वविद्यालय के जो संस्कृत पुरुष हैं, युग पुरुष हैं, युग दृष्टा हैं, हम सभी के विद्या गुरु, वर्तमान कुलपति प्रोफेसर राजा राम जी इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं, मैं उनके श्री चरणों में निवेदन करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि अपने अध्यक्षीय उद्बोधन से हम सबको अनुग्रहित करें। पूरा विश्वविद्यालय परिवार, पूरा भारत वर्ष इस कार्यक्रम को देख रहा है, सभी अत्यंत प्रसन्न हैं, सभी इस कार्यक्रम के माध्यम से पंडित जी के श्री चरणों में प्रणाम निवेदित करते हैं। तो आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष गुरुवर शुक्ल जी यहाँ उपस्थित हैं अंतरजाल के माध्यम से, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि अपने अध्यक्षीय उद्बोधन से हम सबको अनुग्रहित करें। सदाशिव समारंभ
शंकराचार्य मध्यमाम अस्पदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपरा। सर्वप्रथम सर्व विद्याधिष्ठात्री माँ सरस्वती के चरणों में प्रणति अर्पित करता हूँ तथा आज जिस महापुरुष की प्राकट्य दिवस के अवसर पर हम यहाँ उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए एकत्रित हुए हैं, ऐसे पंडित जी के चरणों में भी अपनी प्रणति अर्पित करता हूँ। मेरी आवाज सुन सकते हैं ओझा जी? मेरी आवाज सुनाई दे रही है गुरु जी? जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी गुरु जी जी गुरु। श्रूयते। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय अभिराज राजेंद्र मिश्र जी, यह एक सभा की कुछ औपचारिकता है कि हमें एक मुख्य अतिथि रखना पड़ता है, एक अध्यक्ष रखना पड़ता है, एक विशिष्ट अतिथि रखना पड़ता है। जब हम आचार्य अभिराज राजेंद्र मिश्र जी की बात करते हैं तो उनके लिए मुख्य शब्द तो अच्छा लगता है, अतिथि शब्द अच्छा नहीं लगता है। आप हमारे अभिभावक हैं, घर के मुखिया हैं, तो मुख्य मुखिया आचार्य अभिराज राजेंद्र मिश्र जी, जिनका जिनके पीछे पीछे सम्मान दौड़ते रहते हैं। आप एक झलक देख सकते हैं उनकी पृष्ठभूमि में, जैसे मेरे पीछे एक पर्दा लगा हुआ है ना, आप उनके कमरे जहां बैठे हैं उनके पीछे सम्मानों की एक परंपरा लगी हुई है, और ये एक झलक है क्योंकि उतने छोटे कमरे कैमरे से उतना बड़ा ग्रहण नहीं हो सकता है। यदि पूरा चित्र लिया जाए तो कई स्नैप्स में लेने पड़ेंगे, इतने सम्मानों की एक परंपरा है। सेम ईशोरिव दीर्घ दीर्घतरा परंपरा सम्माना नाम आचार्याणा, ऐसे आचार्य और इतने ही सम्मान और आगे के दिनों में आने वाले हैं, तो आप सोच सकते हैं कि उतना उनका कद कितना बड़ा है। और यह विश्वविद्यालय के लिए गौरव की बात है कि वे इस विश्वविद्यालय के अभिभावक हैं। मैं उनके प्रति अपनी प्रणाम प्रणति अर्पित करता हूँ। केवल एक फोन से मैंने निवेदन किया था और उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया, पहले भी ऐसे ही वे स्वीकार करते हैं और आगे भी उनका अनुग्रह इसी तरह से बना रहेगा। इसी प्रकार हमारे मित्र जिनका कमरा मैं देख सकता हूँ, आचार्य टीएन सिंह जी, अर्थशास्त्री हैं, अर्थ पर बैठे हैं कि नहीं मालूम है, अर्थ विज्ञानी है वैसा, भूमि शास्त्र के प्रति उनका विशेष अध्ययन है, लेकिन पंडित जी के व्यक्तित्व को वे भली भांति उन्होंने अध्ययन किया है। मैंने पिछले वर्ष उनका एक व्याख्यान पंडित जी पर सुना था, तो जिस समय हमारे प्रकाशन निदेशक जी चर्चा के लिए आए थे, मेरे मन में सर्वप्रथम पंडित हमारे टीएन सिंह जी का ही नाम आया, क्योंकि उनको हमने पिछले बार सुना था और यह अनुभव किया था कि पंडित जी के व्यक्तित्व एवं कर्तृत्व पर उनकी गहरी पकड़ है, गहरी दृष्टि है, और उन्होंने भी मेरे निवेदन को स्वीकार किया। मैं उनका भी विश्वविद्यालय परिवार की ओर से अभिनंदन करता हूँ। इस अंतरजाल माध्यम से जुड़े विश्व के कोने कोने से यहाँ मुझे दिखाई दे रहे लोग, सिंह साहब आप सामने आ जाइए, थोड़ा सा कैमरा टेढ़ा हो रहा है आपका, कुलपति जी आपका टेढ़ा हो रहा है कैमरा। विश्व के कोने कोने से लोग यहाँ पंडित जी के प्रति श्रद्धा परवश होकर के जुड़े हैं, उन सभी का मैं अभिवादन करता हूँ। विश्वविद्यालय परिसर में अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने पंडित जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया था और उस अवसर पर भी हमने एक संक्षिप्त गोष्ठी की थी जिसमें कतिपय आचार्यों और पंडित जी के कतिपय अनुयायियों ने अपने मंतव्य रखे थे। तो आज इस तरह से हमारे विश्वविद्यालय द्वारा दो संगोष्ठियों का आयोजन किया जा रहा है। कुलपति बनने के बाद प्रथम जयंती के अवसर पर मुझे उपस्थित होने का सौभाग्य नहीं मिल पाया था, उन्हीं दिनों मेरी पूज्य माता जी का देहावसान हुआ था। द्वितीय संगोष्ठी में मैं उपस्थित था, द्वितीय ऋषि पंचमी के अवसर पर, और
मैंने उस समय घोषणा की थी कि अब हमारा विश्वविद्यालय पंडित जी की जयंती के अवसर पर एक राष्ट्रीय परिसंवाद नेशनल सेमिनार रखेगा और उनके व्यक्तित्व और कृतित्व व्यक्तित्व को का जो सामाजिक उपयोग है, विश्व कल्याण परक उपयोग है, उस पर गहन चिंतन मनन होगा। मैं बहुत चिंतित था कि मेरा वह संकल्प संभवतः पूर्ण न हो सके, किंतु आज प्रकाशन संस्थान और उनसे जुड़े सभी लोगों ने इस प्रकार का जो राष्ट्रीय स्तर पर संगोष्ठी का आयोजन किया है, उससे मुझे पूर्ण संतोष का अनुभव हो रहा है और मुझे पूर्ण अपेक्षा है कि आगे वर्षों में भी कुलपति कोई भी रहें, वो तो क्षणिक पद होते हैं, लेकिन राष्ट्रीय संगोष्ठी के रूप में ही इसे मनाया जाए ताकि उनके व्यक्तित्व का परिचय नई पीढ़ी को और अधिक मात्रा में हो सके। जो पुराने लोग हैं उन्होंने तो पास से देखा है, अनुभव किया है, कुछ उनके लेखों से हम समझ सकते हैं, किंतु नई पीढ़ी में चूंकि पाठ्यक्रमों में हमें नहीं पढ़ाया जाता है, नई पीढ़ी की नई प्राथमिकताएं हैं, उस आधार पर भी हमें ऐसे व्यक्तित्व के बारे में नहीं पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है, घर में भी नहीं बताया जाता, इसलिए संगोष्ठियों के का प्रतिफलन तभी होगा, सार्थकता तभी होगी जब वहां तक हमारी बात पहुंच सके। इसलिए यह राष्ट्रीय इस प्रकार का राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन अत्यंत सार्थक है और इस प्रकार का आयोजन भविष्य में भी होता रहेगा। मैं माननीय कुलपति जी के प्रस्ताव से भी सहमत हूँ कि आगे एक दो महीने में जब भी यह महामारी इस महामारी का प्रकोप शांत होगा, हम लोग मिलकर के एक ऐसा आयोजन करेंगे, 115वां वर्ष शुभ वर्ष है, उस वर्ष पर हम लोग कोई ऐसा आयोजन करें राष्ट्रीय अथवा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो विश्व को एक दिशा निर्देश दे सके, विश्व तक अपनी बात पंडित जी के विचारों को पहुंचा सके, विशेषकर नई पीढ़ी तक पहुंचा सके, मैं उस प्रस्ताव का स्वागत करता हूं और हम लोग मिलकर इसे भव्यता के साथ आयोजन करेंगे। आज का एक अत्यंत समसामयिक विषय रखा गया है, सामाजिक समरसता का। सामाजिक समरसता की कमी हमें आज दिखाई पड़ रही है। तेन त्यक्तेन भुंजिता की भावना अब कम हो चुकी है। सभी लोग अतिक्रमण करके अपना साम्राज्य बनाना चाह रहे हैं, साम्राज्यवादी प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है और जब तक हम अपनी सीमा में रहते हैं तब तक कहीं से भी कोई किसी के साथ दुराव नहीं होता है, कोई टकराव नहीं होता है। जब हम अपनी सीमा का नाजायज रूप से अतिक्रमण करके, गलत रूप से अतिक्रमण करके दूसरी सीमा में प्रवेश करेंगे और यह मान कर करेंगे कि सामने वाला कमजोर है, तो निश्चित रूप से टकराव होगा। टकराव तो होगा ही, भले ही आप उसे पराजित कर दे, लेकिन वह इतने आसानी से अपनी संपत्ति को, अपनी सीमा को असुरक्षित नहीं होने देगा। आज यही प्रवृत्ति कतिपय देशों में देखी जा रही है। आज का भारत समर्थ भारत है, आत्मनिर्भर भारत है और लोगों को यह, दूसरों को यह समझना चाहिए कि वह आज से वर्षों पूर्व का भारत नहीं रह गया है। इस पर कुदृष्टि न डाली जाए। हम तेन त्यक्तेन भुंजिता जरूर मानते हैं, किंतु माघृदः कस्य सिद्धनम्, हम न छीनते हैं न छीनने देते हैं। हमारी ऐसी प्रवृत्ति है, हमारे रक्त में वह बात भरी हुई है। इस बात को, इन वैदिक धारणाओं को, इन औपनिषद धारणाओं को विश्व समाज तक हमें पहुंचाना होगा और उसका एकमात्र रास्ता है सामाजिक समरसता का। हमारा जो वैदिक सिद्धांत है, औपनिषद सिद्धांत है, उसका प्रकाशन किया जाए। हमारी जो अनादिकाल से वैदिक परंपरा चली आ रही है, उस परंपरा को जिसमें विश्व कल्याण की भावना है, विश्व बंधुत्व की भावना है, पर द्रव्य के प्रति वैराग्य की भावना है और आत्मवत सर्वभूतेषु की भावना है, उस भावना के प्रति विश्व को सजग, विश्व के सामने हमें रखना होगा। और आज यह अच्छा समय भी आ गया है। आज पूरा का पूरा विश्व जब
विश्व इस महामारी से संत्रस्त है तो उन सब पूरे विश्व की दृष्टि भारत की ओर है, भारत की आध्यात्मिक चेतना की ओर है, आध्यात्मिक शक्ति की ओर है, भारत की उस ऊर्जा की ओर है जिस ऊर्जा के कारण भारत अनादिकाल से आज तक बिना किसी अंतराय के, बिना किसी अंतराल के भारतीय संस्कृति और सभ्यता चली आ रही है। संस्कृतियां सभ्यताएं आप देखें, अगर विश्व इतिहास का अध्ययन करें तो अनेक संस्कृतियां जागी, अनेक सभ्यताएं जन्म ली, अनेक संप्रदायों ने जन्म लिया, किंतु अधिकांश संप्रदाय उस संप्रदाय के प्रवर्तक के जीवन काल में ही नष्ट हो गए। कुछ बच्चे तो भी उस संप्रदाय प्रवर्तक के गमन के पश्चात वो नष्ट हो गए। लेकिन हमारी ये जो परंपरा है वैदिक परंपरा, वो जिसे हम अनादि परंपरा मानते हैं, वो परंपरा आज भी अविच्छिन्न रूप से चली आ रही है और उसमें कोई भी बदलाव नहीं है, कोई भी खरोच नहीं आई है, कहीं भी अंतराय नहीं आया, कहीं भी अंतराल नहीं आया। इसका एकमात्र कारण है हमारी भारतीय संस्कृति जो वेदाधारिता है, वेदाधारिता ने, श्रुत्याधारिता ने, शास्त्र सम्मति ने उसे आज तक बनाए रखा है और आज पूरा विश्व उसकी ओर एकटक टकटकी लगा कर देख रहा है, हमें अपेक्षा, हमसे अपेक्षा कर रहा है। आज विशेषकर संस्कृत विश्वविद्यालय जैसी संस्थाओं का दायित्व तो और भी अधिक बढ़ जाता है जब विश्व को हमारी संस्कृति, हमारे शास्त्रों के उपदेशों की अत्यंत आवश्यकता है। उसमें यहाँ से निकली हुई बात विश्व के कोने कोने में सुनी जाएगी। अगर हम पंडित जी के जीवन को, मुझे भी दर्शन करने का अवसर मिला था लेकिन मैं बहुत छोटा था, वो मैं जब रामनगर में रहता था तो वे चुनाव प्रचार के लिए आए थे, आदरणीय चंद्रा त्रिपाठी जी चंदौली से एमपी का चुनाव लड़ रही थे और बहू जी, हम लोग उस नाम बहू जी नाम से प्रसिद्ध थे, और वे चुनाव प्रचार में आए थे। मैं रामनगर में रहता था, रामनगर में एक कांग्रेस के बहुत बड़े नेता जो बहुत सिद्ध हस्त कवि थे, पंडित प्रेम किशोर पांडे जी, उनके नेतृत्व में हम लोग कुछ कार्यकर्ता के रूप में काम करते थे। उस समय यह मालूम नहीं था कि किस पक्ष में जाना है, किस पक्ष में नहीं जाना है, बस अभिभावक ने जो कहा वो करना है। तो एक बिल्ला बहुत अच्छा मिलता था, बच्चा, वो गाय और गाय के बच्चा वाला, उस समय कांग्रेस का वो चुनाव चिन्ह हुआ करता था, फिर हाथ का पंजा आया, फिर बदलता गया। तो वो एक भावनाएं उनको देखा था। जब वे रेल मंत्री बने थे तो काशी से चेन्नई के लिए, उस समय मद्रास नाम था, आज चेन्नई नाम है, चेन्नई के लिए एक ट्रेन शुरू हुई थी, उस ट्रेन का नाम है गंगा कावेरी। उस नाम से ही संस्कृति झलकती है। आप उस गंगा कुछ भी नाम दे सकते थे, ट्रेन का नाम क्या है कुछ भी रख सकते थे, चिंटू मिंटू पिंटू, लेकिन नाम रखा है गंगा कावेरी, उससे वो एक संस्कृति झलकती है। गंगा और कावेरी, गंगा कावेरी से होते हुए चेन्नई तक जा रही है, ये एक जो संस्कृति है उस संस्कृति का परिचय हमें मिलता है। जिसने, जिस व्यक्ति ने उनका दर्शन किया हो, वो शिखा, वो चंदन, वो शुभ्र तेज, आप गाल से निकलता हुए तेज को, मुख से निकलते हुए तेज को सहन नहीं कर सकते हैं, ऐसा तेज होता था। ऐसी पलथी मार करके वो बैठते थे, बहुत देर तक पलथी मार कर बैठते थे। हम लोग काशी महाराज के यहाँ रहते थे और काशी महाराज डॉक्टर विभूति नारायण सिंह जी से उनका बहुत घनिष्ठ संबंध था, उनके यहाँ आते जाते थे। तो वहां बैठ करके उनके साथ जो महाराज के साथ जो शास्त्रीय चर्चा होती थी, सांस्कृतिक चर्चा होती थी, गंगा के संरक्षण में चर्चा, मंदिरों के संरक्षण में चर्चा, काशी की संस्कृति के संरक्षण में जो चर्चा होती थी, कुछ कुछ कानों में जाती थी, बहुत कुछ समझ में नहीं आता है। लेकिन आज वे सभी चर्चाएं, वे सभी विचार बहुत प्रासंगिक हैं और उस प्रासंगिकता के कारण ही हम लोगों ने इस विश्वविद्यालय में अपने, हम कृतज्ञ हो सकते हैं, ऋण तो कभी नहीं हो सकते हैं, कृतज्ञ होना चाहिए, लेकिन ऐसे आचार्यों के ऋण होने का हो नहीं सकते है और उसका प्रयास भी नहीं, मेरा मानना है कि उसका प्रयास भी नहीं करना चाहिए। कुछ ऋणों को से ऋणी होना ही बहुत आनंद देता है।
कुछ ऐसे ऋण हैं जिन्हें तत्काल चुका देना चाहिए, किसी से कर्ज लिया हो, पैसे का कर्ज लिया हो या किसी की देनदारी हो, उसे तत्काल चुका देना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे ऋण होते हैं, गुरु ऋण है, माता का ऋण है, वृत्ति दाता का ऋण है, उससे ऋण होने का कभी भी प्रयास नहीं करना चाहिए। वही ऋणता, ऋणी होना ही हमें जीवन भर कृतज्ञ बनाता है, विनयी बनाता है। और मैं इसी से यह चाहता हूँ कि यह हमारा ऋण, हमारे ऊपर जो ऋण है, वो ऋण उन ऋषियों का ऋण बना रहे। अभी हमारे आचार्य मिश्र जी कह रहे थे कि इस तपोभूमि के कण कण में ऋषियों की तपस्या का आप साक्षात्कार कर सकते, एक प्रकार का वाइब्रेशन निकलता है। मुझे भी अनुभव होता है, मैं यहाँ की हर सभा में बोलता हूँ कि यह तपोभूमि है, यहाँ ऋषियों के प्रत्येक कण कण में तपस्या भरी है। इसके साथ जिसने अन्याय किया वह बहुत बड़े संकट में पड़ता है, बहुत बड़े अपराध का भागी होता है, उसे यह जन्म में ही फल भोग करना पड़ता है। इसलिए पूरे श्रद्धा के साथ, पूरी तन्मयता के साथ इस पवित्र भूमि की सेवा करनी चाहिए। मैंने एक अभी योजना बनाई है, लॉकडाउन में ही उसे क्रियान्वित किया है। 31 तारीख को अनंत चतुर्दशी का शुभ मुहूर्त है, उस दिन उस योजना का आरंभ होगा। हमारे 230 साल का जो बृहत इतिहास है, 1791 से लेकर के आज तक का जो बृहत इतिहास है, उसमें आचार्यों की, ऋषियों की एक बड़ी लंबी परंपरा रही है। वह तपोमूर्ति थे, आचार्य थे, उनके बहुतों के नाम भी अब हमारे सामने नहीं रहे हैं। उन सब के व्यक्तित्व और कर्तृत्व से समाज को, विशेषकर नई पीढ़ी को अवगत होना होगा, तभी हमारे संस्कृति की संरक्षण हो सकेगा। इस दृष्टि से विद्वत वैभव परंपरा नाम की एक वृत्त चित्रों की, डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स की एक हमने श्रृंखला शुरू की है, और उस श्रृंखला का लोकार्पण या लॉन्चिंग, जिसको प्रमोशन जो कहते हैं अंग्रेजी में, वो 31 तारीख को होने वाला है। इस श्रृंखला में हम एक एक विद्वान पर 10-15 मिनट की एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म तैयार कर रहे हैं, और वो अत्यंत रोचक ढंग से बनाई जा रही है। और सर, आपको आश्चर्य होगा और बहुत सुख भी होगा कि इस फिल्म को बनाने में विश्वविद्यालय का एक पैसा भी खर्च नहीं हो रहा है। हमारे जो नवनियुक्त आचार्य हैं, युवा हैं, वही इस फिल्म का निर्माण भी कर रहे हैं। एक और जहां वो शास्त्र में पंडित हैं, उसी उतने ही पांडित्य, उतना ही दक्षता उनकी इस कंप्यूटर विधा में भी है। थोड़ा सा केवल मुझे मार्गदर्शन देने की आवश्यकता होती है। एक पैसा मैं देता हूँ, 10 पैसे का वो जवाब मेरे पास लाकर देते हैं। मुझे अत्यंत प्रसन्नता होती है कि नए नवनियुक्त अध्यापक अत्यंत प्रतिभा के धनी हैं। इस समय विद्यालय पूरा शैक्षणिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों से भरा हुआ है। आप सुबह से शाम तक हमारे फेसबुक चैनल को अथवा यूट्यूब चैनल को देख सकते हैं। आपको शैक्षणिक गतिविधियां, शास्त्र प्रौढ़ योजना आचार्य पंडित विद्या निवास मिश्र जी के कार्यकाल में शुरू थी, 2 वर्ष चली, वो बंद हो गई, उसे फिर हमने शुरू किया है, और वो लिंक ओपन टू ऑल है, सब देख सकते हैं, किसी के लिए का प्रतिबंध नहीं है। शैक्षणिक वातावरण पूरी तरह से बना हुआ है। उन विद्वानों के प्रति हमारी कृतज्ञता अर्पित करने की दृष्टि से, आभार व्यक्त करने की दृष्टि से यह वृत्त चित्रों की श्रृंखला, उसमें आपके आशीर्वाद की भी हमने अपेक्षा की है। मुझे लगता है कि 1-2 दिन में मुझे आपका आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा, और इस तरह से विश्वविद्यालय उन ऋषियों के पद चिन्हों पर चलने के लिए पुनः अग्रसर है। मैं प्रकाशन संस्थान के निदेशक एवं उनके पूरे परिवार को, उनके पूरे टीम को, अभी हमारे ओझा जी भी उस टीम के सदस्य बन गए हैं, विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं लेकिन प्रकाशन निदेशक के बहुत आत्मीय हैं। उन्होंने मुझे कहा था कि संचालन के लिए ओझा जी को बुला लिया जाए। मैंने दूसरे किसी का नाम कहा था लेकिन उन्होंने कहा नहीं, ओझा जी बहुत आत्मीय व्यक्ति हैं और उनका स्नेह प्रकाशन विभाग को बना रहता है और प्रकाशन निदेशक पर भी बना रहता है, इसलिए उन्होंने के आग्रह पर ओझा जी को यह दायित्व दिया गया है।
हमारे अमित कुमार जी, ज्योतिषाचार्य जी भी दिखाई पड़ रहे हैं, उनके पिताजी का भी अभी दर्शन हुआ था। तो बहुत अच्छा लगता है, युवा वर्ग बहुत आगे आ रहा है और पूरी कटिबद्धता के साथ आगे आ रहा है, और जो हमारे वरिष्ठ आचार्य लोग हैं वो उन्हें मार्गदर्शन कर रहे हैं, उन्हें प्रेरणा दे रहे हैं, पूरा जो अपेक्षा है समाज को विश्वविद्यालय से वो यह विश्वविद्यालय पूर्ण करने का प्रयास कर रहा है। मैं आप सबको बहुत बहुत प्रणाम साधुवाद अर्पित करता हूँ, आपने हमारे अनुरोध को स्वीकार करके अपना इतना बहुमूल्य समय और मार्गदर्शन प्रदान किया, इसके लिए विश्वविद्यालय परिवार आपका आभारी है। नमो नमः। इस कार्यक्रम के सभाध्यक्ष कुलपति जी के श्री चरणों में प्रणाम निवेदित करता हूँ। साथ ही जो उनका संदेश है, सामाजिक समरसता वेदों में है, शास्त्रों में है, और यह कार्य, यह पथ प्रदर्शन आपके नेतृत्व में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय दिखला रहा है, और जितना ही शास्त्रों का, वेदों का जन जन तक प्रचार होगा, प्रसार होगा। और एक और बात आई कि जो इस तरह के सेमिनार होते हैं, जो संगोष्ठियां होती हैं, उन व्यक्तित्व का जो जीवन चरित्र है, जो जीवन रहस्य है, हमें अपने बच्चों तक पहुंचाना चाहिए, यहाँ तक कि पाठ्यक्रमों में भी लाना चाहिए। पंडित जी का जीवन वेदमय जीवन था, हो सकता है परंपरागत उन्होंने अध्ययन किया है नहीं किया हो, लेकिन उनके जीवन में सर्वत्र वेद और शास्त्र विद्यमान थे, जैसा कि हमारे पूर्वाचार्यों ने बतलाया। हमारा, हमको दर्शन तो नहीं हुआ, लेकिन उनके विषय में जो आज सुबह से जितना मैंने सुना, बहुत आनंद आया, और मेरा पुण्य है कि इस तरह के कार्यक्रम का संचालन करने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ। और निश्चित रूप से पंडित जी के विषय में और व्याख्यान होना चाहिए, हमारे जो बच्चे हैं उन बच्चों तक इन बातों को पहुंचानी चाहिए, तभी जाकर एक स्वस्थ राष्ट्र का, समाज का निर्माण होगा। अंत में एक बात मैं कहूंगा, किसी ने फेसबुक पर, ट्विटर पर कहीं लिखा था, पंडित जी पूर्वांचल के विकास के पर्याय थे। मैं तो कहता हूँ ऐसे व्यक्तित्व को किसी क्षेत्र से नहीं बांधना चाहिए, पंडित जी पूरे राष्ट्र के विकास के पर्याय थे, संस्कृत के विकास के पर्याय थे, भारतीय संस्कृति के विकास के पर्याय थे। तो ऐसे अवसर पर उनके श्री चरणों में बार बार मैं नमन करता हूँ, उनको स्मरण करता हूँ। अभी अध्यक्ष जी का उद्बोधन प्राप्त हुआ, आशीर्वचन प्राप्त हुआ, हम सभी अत्यंत हर्षित हैं, प्रफुल्लित हैं। अब ये कार्यक्रम संपूर्ति की तरफ जा रहा है, तो जैसा आप सभी जानते हैं, यह जो कार्यक्रम है शिक्षण शोध एवं प्रकाशन विभाग के द्वारा हुआ है, और इसके निदेशक हमारे भाई डॉक्टर पद्माकर मिश्र जी, एक तो विश्वविद्यालय से जुड़ने से संबंध है, लेकिन इनके साथ जैसा अभी गुरु जी कुलपति जी ने बताया, मेरा संबंध इनसे बहुत पुराना है, और वास्तव में एक भाई का संबंध है। इन्होंने इस अवसर पर मुझे याद किया, मैं बहुत ही प्रफुल्लित हूँ। तो अंत में जो इतने महनीय अतिथि हमारे गुरुवर मिश्र जी, प्रोफेसर टी एन सिंह जी, ऐसे ऐसे शिक्षाविद प्रशासक यहाँ उपस्थित हैं, हमारे ऋषि तुल्य कुलपति जी, और फेसबुक के माध्यम से अभी जैसा आप अमित शुक्ल जी हैं, और बाकी उमा शंकर शुक्ल गुरु जी जुड़े हुए हैं, और भी बहुत सारे विद्वान जुड़े, यहाँ रमेश गुरु जी हैं, श्री विजय शंकर पांडे जी उपस्थित हैं, अन्य हमारे महनीय कर्मचारी उपस्थित हैं, आप सभी को कृतज्ञता ज्ञापन के लिए, धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर पद्माकर मिश्र जी को, सभी का धन्यवाद ज्ञापन करेंगे। एक मिनट इसे सिर्फ कर, अंतरजाली इंटरनेट के माध्यम से जुड़े समस्त महानुभावों का हृदय से आभार। ये मेरा परम सौभाग्य है कि आज हमारे पूर्व कुलपति आदरणीय प्रोफेसर अभिराज राजेंद्र मिश्र जी हम लोग से जुड़े हैं। अपने जीवन काल में जहां तक मैंने अनुभव किया, ऐसा प्रकांड विद्वान और वक्ता मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। गुरु जी का आशीर्वाद हमेशा मुझे मिलता रहा, विश्व पुस्तक मेलों में भी हमेशा आशीर्वाद आप देते रहे, और आज फेसबुक के माध्यम से आपको देख के मन आह्लादित हो गया, और इसकी अभिव्यक्ति शब्दों से मैं नहीं कर सकता, इसलिए मैं आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ कि गुरु जी आपने मुझे संक्षिप्त समय दिया, इस तरह आपका आशीर्वाद हमेशा मिलता रहे,
इसकी आशा करता हूँ। इसके पूर्व भी मैंने दो दो बार आपसे संपर्क किया था, समयाभाव के कारण आप बनारस ना आ सके। माननीय कुलपति महोदय प्रोफेसर राजा राम शुक्ल जी का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने एक नई परंपरा की शुरुआत की। और आपने कहा कि सामाजिक समरसता और पंडित कमलापत त्रिपाठी विषयक जो राष्ट्रीय परिसंवाद संगोष्ठी की जो आपने अनुमति दी, आपका जो संकल्प है, आपके संकल्प को हम लोग आजीवन पालन करने का प्रयास करेंगे। प्रत्येक वर्ष मैं ये घोषणा करता हूँ आपके तरफ से कि प्रत्येक वर्ष पंडित कमलापति त्रिपाठी जी की जयंती के शुभ अवसर पर प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया जाएगा, इसका प्रकाशन कार्य भी किया जाएगा। और आपने जिस परंपरा की शुरुआत की, ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे विश्वविद्यालय को गुरु जी के बाद पंडित प्रोफेसर अभिराज मिश्र जी के बाद दूसरा प्रकांड विद्वान कुलपति प्राप्त हुआ, जिसके देख रेख में आज विश्वविद्यालय की पताका चतुर्थिक संस्कृत जगत की नहीं विश्व में भी फैल रही है। इसके लिए हम कुलपति जी के विशेष रूप से आभारी हैं। मैं कुलपति जी से कहने गया था इस कार्यक्रम के लिए कि COVID-19 को देखते हुए कोई कार्यक्रम न किया जाए, मात्र पंडित जी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित कर दिया जाए। कुलपति जी ने कहा कि नहीं, पंडित कमलापति त्रिपाठी जैसा विश्व विद्वान, भारत की सभ्यता और संस्कृति के जन नायक का कार्यक्रम इतने संक्षेप में नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि हम इसके संगोष्ठी का पूरा आयोजन कराते हैं। कुलपति जी ने मात्र 15 मिनट के अंदर आप लोगों को आमंत्रित किया, पूरी संगोष्ठी का एक रूप दिया। इसके लिए हम माननीय कुलपति महोदय के आभारी हैं। साथ ही साथ महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के यशस्वी कुलपति प्रोफेसर टीएन सिंह महोदय जी का भी हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने अल्प समय में इतने गूढ़ रहस्यों को पंडित जी के बारे में जो व्यक्त किया। और हमने ऐसा सपने में भी नहीं सोचा था कि पंडित जी के बारे में एक महान शिक्षाविद का इतना बड़ा वक्तव्य होगा। हम लोग तो पंडित जी के परिवार से जुड़े हैं, संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय परिवार पूरा ऋणी है। कुलपति महोदय के आदेश से संक्षिप्त संगोष्ठी का यह आयोजन किया जाना था। आज जो हमारे हजारों लाखों लोग इंटरनेट के माध्यम से जो इस संगोष्ठी को देख रहे हैं, सामाजिक संस्था और पंडित कमलापति त्रिपाठी, उनके प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। कुलपति जी के आदेशानुसार 12 बजे पंडित कमलापति त्रिपाठी जी के मूर्ति में माल्यार्पण के कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले हमारे विश्वविद्यालय के आचार्यगण प्रोफेसर राम पूजन पांडे जी, प्रोफेसर रमेश कुमार द्विवेदी जी, प्रोफेसर हरप्रसाद दीक्षित जी, प्रोफेसर ब्रजभूषण ओझा जी, सहायक कुल सचिव श्री सुनील कुमार यादव जी, कर्मचारी संघ के अध्यक्ष महामंत्री जी, और सबसे अनन्य और पंडित जी के अनन्यतम शिष्यों में एक पंडित विजय शंकर पांडे जी, जो 10 दिन पहले से ही कार्यक्रम की तैयारी में लग जाते हैं, उनके प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूँ। अंत में पुनः गुरुवर प्रोफेसर अभिराज राजेंद्र मिश्र जी का एक लाइन में कोट करने की अनुमति चाहूंगा। आपने पुस्तक प्रदर्शनी के समय 2004 में जब आपके चाचा जी ने उस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया था, आपने उद्धृत किया था, उन शब्दों को मैं आज कहना चाहूंगा। आपने कहा था कि विद्वान कोई हो सकता है, परंतु कभी लाखों में एक होता है, लाखों में। और इस चीज को मैं आज भी इंटरनेट पर अगर किसी कवि का वक्तव्य आता तो मैं लिखता हूँ कि गुरु जी ने ऐसा कहा था। हमारे विश्वविद्यालय के तकनीकी सहयोग के लिए हमारे नवागत प्राध्यापक गण श्री राजा पाठक, श्री विजेंद्र आर्य, अन्य सभी लोग जो इस कार्यक्रम के लिए जुड़े रहे, मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और कुल अंत में पुनः कहता हूँ कि कुलपति जी के संकल्प को हम लोग आजीवन पालन करेंगे। जब तक ये संस्थान रहेगा, ये परंपरा चलती रहेगी। और ये प्रथम संगोष्ठी के बाद द्वितीय संगोष्ठी की अध्यक्षता भी हम आज वर्तमान कुलपति प्रोफेसर राजा राम शुक्ल जी से ही कराएंगे, इसका हम वचन लेते हैं। इसके साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मिश्र जी, गुरु जी, इसमें हम लोग के कार्यक्रमों में 25,000 तक के लोग जुटते हैं। सत्ताईस अट्ठाईस दिनों में हमारी रीच 1,20,000 तक पहुंच गई।
जी 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 के लिए अनुकरणीय चीज है और उल्लेखनीय चीज है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, आपको आपकी कृपा बनी रहे बस बस। अरे कृपा का सवाल ही नहीं डॉक्टर साहब, आप बस आज्ञा कीजिए। नहीं नहीं बस, और जो आपने कहा है मैं अभी थोड़ी देर में भिजवा रहा हूँ। जी जी हाँ, अभी प्रेषित करा रहा हूँ। अंत में सर्वदेव नमस्कार विश्वनाथम प्रति गच्छति, अंत में बाबा विश्वनाथ को प्रणाम निवेदित करते हुए, पंडित जी को संस्मरण करते हुए, गुरुजनों को प्रणाम करते हुए ये सभा यहीं पर पूर्णता को प्राप्त होती है। गुरु जी प्रणाम। सर्वे भवन्तु सुखिनः भैया, और कुलपति जी को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि बहुत ही जानी मानी प्रतिभाओं को आप ले आए प्रांगण में और विश्वविद्यालय की आयु आपने बढ़ा दी। ऐसे विद्वानों के आने से जिनका नाम मैंने सुना है, तो इन लोगों के आने से निश्चित रूप से हमारे विश्वविद्यालय का आयुष्य बढ़ गया। हमारी जो पुरानी परंपराएं शिथिल हो रही थी, अब एक बार फिर जो है वो एकदम एकदम हरी हो जाएंगी। तो आपके लिए, आप गुण पक्षधर हैं, एक विद्वान ही विद्वान को जानता है अच्छी तरह से, तो आपने ये बहुत अच्छा कार्य किया बंधु, और आपको बहुत बहुत बड़ा होने के नाते मैं आशीर्वाद भी देता हूँ, बधाइयां भी देता हूँ, बहुत अच्छा। अंते पुनर एक बार सर्वे भवन्तु सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। जयतु भारतम्, जयतु संस्कृतम्। रत्नाकर जी बहुत बहुत बधाई आपको, निदेशक जी। हाँ जी जी गुरु जी, लीजिए रत्नाकर जी। प्रणाम सर, प्रणाम। हाँ जी सर, प्रणाम। निदेशक जी आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई, बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ। सब कृपा है आपकी सर, सब आपकी कृपा। दोनों ही कार्यक्रम बहुत अच्छे थे, और सवेरे वाला भी और अभी का भी, दोनों बहुत अच्छा था। नहीं सब आपका आशीर्वाद है। जी गुरु जी, अब बंद कर देता हूँ। प्रणाम। बस बस।